दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में जल्दी जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए और अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए इस लाइव सेशन को लाइक करके और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने बाकी दोस्तों में अपने दोस्तों को भी बुला के ले आइए क्योंकि आज होने वाला है रिवीजन बहुत तगड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज मैंने उठाए हैं आपके लिए और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको याद भी दिला दूँ कि हम क्या क्या चीज़ें करें

चैप्टर्स थे तो ये तो हम लास्ट वीक कर चुके थे इफ इन केस अगर आपको इसकी जरूरत हो तो ये वाले लाइव अटेंड कर लेना स्पीड बढ़ा के देख लेना टाइम भी बचेगा और सीख भी जाओगे उसके बाद हमने सबसे पहला जो लाइव किया था वो किया था हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस केस जहां पर मैंने आपको टॉप सेवन जी हाँ सत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए थे साथ साथ उसमें केस बेस के क्वेश्चन भी लिए थे और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी सॉल्व करने की तो अगर आपको एमसीक्यू में महारत हासिल करनी है ये लाइव आपके लिए है। कल कल हमने हमने क्या किया था? कल हमने किया था? था आओ फुल पेपर लगाएं और 80 आउट ऑफ 80 लाए कल हमने एक फुल क्वेश्चन पेपर लगाया था और हमने इसको उल्टा शुरू किया था पीछे से क्यों क्योंकि पीछे होते हैं ज्यादा मार्क्स वाले सवाल ठीक है ज्यादा नंबर वाले जो है वो सवाल होते हैं पीछे की तरफ जिसमें हमने केस बेस्ड के क्वेश्चन किए हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए हमने शॉर्ट आंसर किए हमने वेरी शॉर्ट आंसर किए हमने मल्टीपल चॉइस भी किए ये सारे के सारे टाइप कल हमने कर लिए थे सिर्फ पौने दो घंटे में जी हाँ डिस्कस करते हुए तो बहुत अच्छा सा ये लाइव सेशन रहा था अब आज का जो ये लाइव सेशन है आज हम क्या करने वाले हैं आज हम एक और पेपर लगाएंगे लेकिन आज का जो पेपर है मेरे प्यारे बच्चों वो पेपर जो है उसका लेवल थोड़ा हार्ड है जी हाँ आज के पेपर का लेवल इस स्टैंडर्ड लेवल का है थोड़े से क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेंगे आपके दिमाग की बत्ती जलाने पे मजबूर करेंगे तो इसीलिए ये लाइव सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आज के के को देख ना आपके दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो फटाफट से जो बच्चे लाइव आ चुके हैं अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए इस लाइव सेशन को लाइक करके फिर हम शुरू करते हैं कल का जो मेरे प्यारे बच्चों लिया था वो बेसिक मैथ्स का ही लिया था आज ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है और आज का मेरा हैशटैग भी देख लो मजेदार है आज का मेरा हैशेग है ये आपके पीछे लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है जी जल्दी से आ जाइए लाइव और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपने में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी यहां पर आ जाए फिर साथ में मिलकर हम क्वेश्चन को समझें इनको हम डिस्कस करेंगे बातचीत करेंगे कि कैसे आपको इनको करना है मैं आपको वो आइडिया दूंगा और कैसे लिखना है वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि लिखने के ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं बड़े बड़े सवालों के अंदर तो उनको कैसे सही तरीके से लिखना है कि आप पांच नंबर के सवाल में पूरे पांच नंबर लेकर आएं आप चार नंबर के सवाल में पूरे चार नंबर लेकर आएं वो तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूं ठीक है जी क्योंकि के सही तैयारी डियर सर पर केवल और आज क्वेश्चन का अच्छा है लेवल जी हाँ क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे अच्छे हैं आज तो आइए बिना देरी किए मैं स्टार्ट कर देता हूं टाइम बहुत कीमती है आपका दो ही दिन आपके एग्जाम में जो बचे हैं आप सेशन को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना जो नए बच्चे आ जाए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपनी नोटबुक और पेन आप रेडी रखिए क्योंकि मैं आपसे पूछता भी रहूंगा और आपसे भी बीच बीच में सॉल्यूशन करवाता रहूंगा चलिए जी पेपर मैंने पीछे से शुरू करा है उल्टा ठीक है जी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप कंफर्टेबल फील करें इस चीज़ में तो आप भी पेपर को पीछे से उल्टा शुरू करना क्यों क्योंकि पीछे होते हैं बड़े बड़े नंबर के सवाल केस बेस्ड आपके आएंगे चार ठीक है तीन तीन नंबर के बारह नंबर आपके ये हो गए आपके बड़े बड़े लॉन्ग आंसर होंगे पाँच पाँच पन्जे पच्चीस आपके ये हो गए तो बड़े बड़े नंबर पीछे हैं तो हम पहले बड़े बड़े नंबरों पर हमला करेंगे वहां से हम नंबर लूटेंगे आइए सवाल पढ़ते हैं देखिए आपको इसको समझना भी है और मैंने आप साथ साथ एक चीज़ और करी है यहाँ पर आपको मैंने ये भी दिखाया है कि कौन सी स्टेप के कितने कितने नंबर होते हैं ताकि आपको ये भी पता रहे कि किस स्टेप के मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे चलिए सवाल पढ़ते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है देखिए सवाल क्या कह रहा है काफ़ी तगड़ा सवाल है ये हल्के में मतलब ना आज के सवाल बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल उठाए मैंने आज शुरू करते हैं देखिए सवाल पढ़िए काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है One evening, हिंदी वाले टेंशन मत लेना मैं हिंदी में भी सवाल को प्रश्न को एक्सप्लेन करता रहूंगा ठीक है व्याख्या उसकी करता रहूंगा पार्क को, कोशिक एक लड़का है पार्क में बैठा हुआ है मैंने ट्रिक हालांकि क्या बता रखी है आपको मैंने आपको केस बेस्ड की ट्रिक बता रखी है कि पहले ये मत पढ़ो पहले यहाँ पढ़ो अब आप जब यह ऑप्शन पढ़ेंगे यहां पर इसका ऑप्शन ए एट वॉट डिस्टेंस कितनी दूरी पर फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री पेड़ के पेड़ के पेड़ की जड़ से ठीक है पेड़ के पेड़ से वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री वो पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को या पक्षी को जो है ऑब्जर्व कर रहा है अब यहाँ पर एक पेड़ है आप देख सकते हैं ट्री लिखा हुआ है एक बर्ड है वो बर्ड फिर उड़ के आगे भी बढ़ा है एक बॉल भी है काफ़ी कुछ है इस सवाल के अंदर तो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है मज़ेदार सवाल है आपको समझना है कि ऐसे मुश्किल सवाल आपको कैसे करके आने हैं ये ज़रूरी है आपके लिए वरना आप सवाल गलत कर देंगे और अपने नंबर कटवा के आ जाएंगे चलिए शुरू करते हैं अब देखिए सवाल समझिए पहले कौशिक है बैठा हुआ है पार्क में बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाई ट्री ऑफ हाइट एटी मीटर एक पेड़ है अस्सी मीटर का जो कि हमें यहाँ पर दर्शाया गया है ये रहा अस्सी मीटर का पेड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल राइट हमसे कहा गया कि ही ऑब्जर्व अ बर्ड कौशिक एक पक्षी को देखता है और क्या देखता है ऑन अ ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल से तो यहाँ पर कौशिक है ये फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर ये बर्ड है ठीक है ओ पॉइंट पर तो यहाँ पर से कौशिक जो है, 45 डिग्री के एंगल से एक बर्ड को देख रहा है ना क्रिकेट जो बच्चे खेल लेते मार दिया। अब मारा, तो बॉल उड़ती हुई गई जब बॉल उड़ती हुई गई तो उस बॉल के डर से ठीक है बॉल लगी होगी पेड़ पे जाके तो उसके डर से आप बॉल फ्लू थ्रू द ट्री तो पेड़ के पास से गुजरी बॉल तो उस बॉल को देखकर पक्षी डर गया ठीक है जो पक्षी जो चिड़िया जो बर्ड बैठी हुई थी वो डर गई फ्री फ्राइटेनिंग द बर्ड टू तो फ्लाई अवे तो वो उड़ के वहां से भागने लगी तो इन टू सेकेंड दो सेकंड के अंदर ही अब भैया यहां से कोई पक्षी उड़ाए तो एक दो कुछ तो आगे बढ़ेगा दो सेकेंड में कुछ तो फासला कुछ तो दूरी तय करेगा वही चीज यहां हुई है ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एल्यूशन थर्टी डिग्री उसने देखा वो बर्ड उड़ के यहां से यहां पर पहुंच गई और अब जो एंगल कोशिक से उसका बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था सवाल को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ठीक है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपके आएंगे प्रीवियस और फ्रीट पास वाले आज की भी मोस्ट ही है। इनको हल्के में मत लो ये सवाल स्टैंडर्ड लेवल के हैं बहुत तगड़े तगड़े सवाल हैं। और आसान नहीं होगा इनको सॉल्व करना इसलिए ध्यान से समझना है पूरा टेंशन देकर तो यहाँ पर अब जब पक्षी उड़ के आगे पहुँच गया तो एंगल 45 से 30 हो गया ये बातें हमको कही गई हैं अब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री तो पेड़ की जो पेड़ मतलब जहाँ पर कोशिक है जो पेड़ की नीचे है मतलब यहाँ पर फूट ऑफ द ट्री ये है ठीक है जी ये हमारे पास पेड़ है ये उसका फूट है तो इस जगह से वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री तो पक्षी ने कितना फासला तय किया ठीक है उस परिंदे ने कितना फासला तय किया इट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री यहां से आपको ये डिस्टेंस बताना है समझ में आई बात आपको बताना ये सी भी कि वो जो कौशिक बैठा हुआ है वो पेड़ से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है मतलब एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री के पेड़ की जड़ से या पेड़ की जड़ से पेड़ मतलब जहां पर खड़ा हुआ है वहां से एट वॉट डिस्टेंस कितने फासले पर कितनी दूरी पर वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड वो उस बर्ड को देख रहा है मतलब हमें यहाँ पर कौशिक बैठा है पॉइंट सी पर और ये है पेड़ की जड़ या पेड़ का पेड़ तो ये फासला बताना है कितनी दूरी पर बैठ वो देख रहा है अब ये कहाँ पर निकले यह बताने के लिए हमें यह चाहिए होगा यह हमें ऑलरेडी पता है कि 80 मीटर का है क्योंकि यह पेड़ है तो हमें यह पता है हमें परपेंडिकुलर पता है हमें बेज निकालना है और यहां पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है फोर्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो सिंपल अब हमें यहां पर चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि हमें क्या करना है हमें टेन फोर्टी डिग्री निकालना है हमें टेन थीटा लगा के फोर्टी फाइव डिग्री निकालना है जिसमें परपेंडिकुलर ट्री है जो कि हमारा ए बी है फिगर के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे ऊपर ए बी लिख देंगे हमें निकालना है बी सी जो कि हमारा बेस है बी सी नीचे आ जाएगा टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू वन होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लेना बहुत ज़रूरी है अगर अभी तक आपने याद ना की हो उसके बिना सवाल नहीं हो पाएंगे ठीक है ए भी हमें पता है जो कि पेड़ की लंबाई या ऊंचाई आप कह सकते हो ए है और यहाँ पर बी जो है वो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर 80 आ जाएगा इसका मतलब जो कौशिक जो बैठा हुआ है ना ये जो कौशिक यहाँ पर बैठा हुआ है ये बैठा हुआ है पेड़ से 80 मीटर की दूरी पर यह चीज़ भी 80 निकल के आ गई इतनी बात आपको समझ में आती है यह चीज आपने सीख ली तो ऑप्शन नंबर ए हमने कर दिया है अब ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान दीजिए बी है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई बर्ड कितनी दूर उड़ के चली गई ठीक है कितनी दूर उड़ के चली गई बर्ड पहले यहां थी पॉइंट ए पर उड़ के चली गई पॉइंट ओ पर ठीक है तो ए से ओ पर यहां से यहां तक जो है बर्ड जो है वो पहुंच चुकी है ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान देनी है तो बर्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गई यहाँ से यहाँ पहुंच गई इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं है तो इसको हम नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी नहीं है तो डी नाम दे देते हैं इस पॉइंट को तो बर्ड ओ जो थी चिड़िया पक्षी जो भी था यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसने कितना फासला तय किया कितनी दूरी तय की आपको ये बताना है मतलब ये चीज़ बतानी है अब ये चीज़ तो कहीं ना कहीं इसके बराबर है नीचे बी के बराबर है ठीक है बी ई के बराबर है ये चीज़ अब हमें इसमें इतना पार्ट तो पता है अगर हम क्या करें हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है ये वाला पार्ट तो अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये पूरी साइड निकल जाएगी हमारी क्योंकि हमें ये वाली साइड पता है अस्सी मीटर इस अस्सी मीटर की हेल्प से और इस तीस डिग्री के एंगल की हेल्प से तीस डिग्री के कोण की मदद से हम ये साइड निकाल लेंगे इसमें तेंटीडा लगा कर ये पूरी निकलेगी जब उस पूरी में से हम इधर का जो अस्सी हमें पता है ये वाला अस्सी हम हटा देंगे तो बची हुई ये वाली मिल जाएगी ऐसे हमको ये निकालना है जब ये दूरी निकल गई तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है तो यही पक्षी की वो दूरी है जो उसने तय की है यही वो डिस्टेंस है वही जितनी दूरी उस पक्षी ने उड़कर तय कर ली तो हमें इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर जिसका नाम है जिसका नाम है यहाँ पे डी ऑप्शन है ना इसका नाम कोने का डी है तो डी सी ई तो डी सी ई में हम लगाएंगे यहाँ पर थी थियो, वो थ्योरम कह रहा हूँ अपने ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन और उससे हम ये निकाल लेंगे उसमें से ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ये मिल गया तो ये मिल गया और यही वो दूरी है ऐसे हम करेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब और भी ऑप्शन है क्या हाँ इसमें एक ऑप्शन और भी है और एक ऑप्शन सी भी है वट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन इतने अब देखो स्पीड पूछ ली केस बेस है ट्रिग्नोमेट्री का स्पीड पूछ रहा है लेवल देख रहे हो आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल में ऐसे सवाल बनेंगे ध्यान से आपको समझना है अब हमें स्पीड बतानी है कि अगर उस पक्षी ने यहां से यहां उड़कर कितना फासला इतना फासला तय किया है इतना फासला तय किया है तो कितनी उसकी स्पीड थी वो बतानी है मीटर पर मिनट में अभी तो हमें पता है कि भैया दो सेकेंड उड़ी है वो दो सेकेंड में यहां से यहां पहुंच गई तो इस सेकेंड को मिनट बना लेंगे और फिर अपना आंसर जो है हम लेकर आ जाएंगे तो इस तरीके से ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है अपने आंसर्स के अंदर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वेरी गुड वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा क्योंकि डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है और टाइम जो है वो दो सेकेंड का लगा है अब इस सेकेंड को हम मिनट बना लेंगे तो 60 से इसकी यहाँ पे खेल होगा सिक्सटी एड आएगा और सोल्यूशन करके आंसर आ जाएगा ठीक है ऐसे आपको इसको करना है तो पूरा सवाल मैंने आपको समझा दिया समझ में आ गया अब समझ में तो आपके आ गया लेकिन अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो ऐसे थोड़ी मिलेगा आपको चार नंबर चार नंबर आपको कब मिलेंगे जब आप पूरा एक एक चीज़ जो गिवन दे रखी है वो सब आप प्रॉपर लिख कर आए तरीके से सब कुछ एक एक स्टेप आप दिखाएं एग्जामिनर को कि देखो भैया ये हमने लिखा है एग्जामिनर को सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा उसके मार्क्स से तो करके कैसे दिखाएंगे आप वो ऐसे दिखाएंगे यहां पर मैंने आपके लिए लिख लिया है पहले से ही ताकि आपका टाइम बचे देखने का और आपको अच्छे से समझ समझ में आ जाए समझा मैंने आपको दिया अब इसको लिखना कैसे है वो सीखो तो ऐसे आपको इसको लिखना है सबसे पहले क्या आएगा इन ट्रायंगल ए सी बी तो ट्रायंगल कौन सा है ए सी बी इस छोटे वाले में हमने टेन 45 लगाया था टेन 45 लगाया था एट्टी हमें ये मालूम था ये वाला एट्टी है इससे हमारा ये बी सी निकल के आना था तो हमारा ये बी निकल के आ गया अस्सी मीटर तो ऑप्शन ए हमारा हो गया कि कौशिक पेड़ से 80 मीटर की दूरी पर बैठा है ठीक है जी अब ऑप्शन नंबर बी आ जाओ बी के अंदर इन ट्राइंगल ओ बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ठीक है ओ ठीक है डी नाम दिया तो यहाँ पे डी सी कर देना आप इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डी कर देता हूँ मैं इसको यहां पे ठीक है डी सी इसका नाम सही से दे देंगे हम डी सी टेन थर्टी लगाएंगे इसके अंदर ठीक है यह वाला हमें अस्सी पता था ठीक है ये पूरा सीई हमें निकालना था ये वाला सीई ये सीई निकल के आ गया आपका अस्सी रूट थ्री अब ये सी है पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमें इसमें से ये पूरा है सीई हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना तो हम इतना पार्ट इधर का माइनस कर देंगे जो हमने पहले से निकाल रखा है तो हमने वही निकालने के लिए क्या किया एट्टी रूट थ्री में से एट्टी माइनस कर दिया तो बाकी का जो बचा हुआ आया ये आपका हो गया वो वाला पार्ट जो पक्षी ने तय किया है जो परिंदे ने उड़कर दूरी तय कर ली मतलब यहाँ से यहाँ तक कह लो या यहाँ से लेकर यहां तक कह लो एक ही बात है ठीक है ये निकल के आ गया ऑप्शन सी में स्पीड ऑफ बर्ड बच्चे ने फार्मूला बताया कॉमेंट करके डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है तो डिस्टेंस ऊपर रखा टाइम जो है नीचे रखा दो सेकेंड मिनट बनाने के लिए यहाँ पर सिक्सटी से मल्टीप्लाई भी हो गई जब सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर मिनट पर मिनट में हमारा आंसर आ गया सिक्स और रूट थ्री प्लस वन मीटर पर मिनट जब आप ऐसे लिखेंगे ये सारी चीजें जब आपको मिलेंगे पूरे चार नंबर तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपको सवाल को समझना भी आना चाहिए और आपको उसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए इन्हीं बात के आपको एग्जामिनर नंबर देगा तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर एक जो कि हमारा केस बेस्ड है ऐसे आपको इसको करना है ठीक है चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं अगला केस बेस्ड सवाल ये रहा यह भी बड़ा अच्छा सवाल है नज़र मारते हैं सवाल ट्रिक देखते हैं सबसे पहले क्या है कि एट एन इंस्टेंट द मिड फील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड पेरलोग्राम हमसे ये कह रहा है कि जो मिड फील्डर है जो बीच में फील्डर है नाम लिखा हुआ है मिड फील्डर कहाँ पर कहाँ पर है वो और आपका जो है फॉरवर्ड वाले वो एक पैरलोग्राम बना रहे हैं आइए बना लेते हैं तो पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाएगा अब यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है कि मिड फील्डर कहाँ पर है देखते हैं एक मिड फील्डर ये है बी पे एक है ए पे तो दो मिडफील्डर ये हो गए सेंटर मिडफील्डर ये हो गया ये कह रहा है ये तीनों मिलके और कौन मिलके फॉरवर्ड मिलके फॉरवर्ड ये रहा तो ये चारों मिलके एक पैरोलोग्राम बना रहे हैं ये हाँ जी तो रहे पैरोलोग्राम दिख गया आपको पैरालोग्राम यहाँ पर बन रहा है ये हमसे कहा गया फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर तो सेंट्रल मिड मतलब इस वाले पॉइंट के हमें कोर्डिनेट्स बताने हैं बताने हैं मिड डी इफ़ द पोजिशन ऑफ द अदर प्लेयर्स हु आर अगर हमें बाकियों की पता है तो हमें ए की भी पोजिशन पता है बी की पता है सी की पता है डी की बतानी है हमें इसके पॉइंट पता है, हमें इसके पॉइंट पता है, हमें इसके पॉइंट पता, पता है इसके पॉइंट हमें बताने हैं पैरलोग्राम ये बना रहे हैं कैसे निकालेंगे बताता हूँ समझने का सारा इसके अंदर खेल है देखिए हमें इन तीन के पॉइंट्स पता हैं अगर हम यहां पर क्या करें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करें उससे क्या होगा उससे ऐसा होगा जब हम इनको मिला देंगे तो इनके बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो इनको मिला देंगे उनके बीच का जो मिड पॉइंट होगा ये बराबर होगा बिल्कुल बीचों बीच में होगा ये पॉइंट तो जब हमें ए और सी के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता हैं ठीक है थीके? तो ए और सी से जो मिड पॉइंट निकल के आएगा उसको हम रखें और हमें बी और डी के भी पता हैं तो हम बी और डी का भी रखें भैया मिड पॉइंट जो है ए सी ठीक है ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट इनके अगर हम मिड पॉइंट को बराबर रखेंगे दोनों के तो मिड पॉइंट हमारे निकल के आ जाएंगे जो कि एक ही पॉइंट होगा क्योंकि वही दोनों के बीचों बीच में आ रहा है अब हमें इसके तो सारे कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम इसके वैल्यू और बी डी की वैल्यू बराबर रखेंगे यहाँ से सारे हमें नंबर मिलेंगे क्योंकि हमें ए की भी पता है हमें सी का भी पता है ठीक है हमें बी का पता है डी का नहीं पता तो यहाँ पर बी का भी हमें पता है डी का नहीं पता बी की वैल्यू इधर आके प्लस माइनस करेंगी और हमारे पास डी की वैल्यू जो है

इसका मिड पॉइंट बराबर होगा बी डी के मिड पॉइंट के तो हमने यही चीज़ यहां पर लिख ली कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के यहां से हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू मतलब दोनों एक्स एक्स वालों को जोड़ के आधा कर दो दोनों वाई वाई वालों को जोड़ के आधा कर दो ऐसे आपके निकल जाते हैं तो यहां पर हमने ए और सी के पॉइंट रख लिए यहां पर हमने बी और डी के रख लिए अब यहां पर हमें डी के पॉइंट नहीं पता तो हमने उनको ए और बी लिख लिया है अब हमने यहां पर को सॉल्व करा आगे ठीक है जी ये फोर प्लस ए आ गया इसको मतलब इस वाले को इसके एक्स वन को और इसके एक्स वन को मतलब इनके एक्स कोऑर्डिनेट को और उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हमने बराबर रखा ऐसे ही हमने वाई कोऑर्डिनेट को इधर बराबर रख लिया तो ये बराबर रखने से यहां से हमने ए सॉल्व करा और हमने बी सॉल्व करा तो ए और बी दोनों की वैल्यूज आ गई सॉल्व कैसे करा बहुत आसान है ये थी एक्स की वैल्यू एक्स कोर्डिनेट छत एक बटा दो तो सात बटा दो मैंने रखा इसके एक्स वाले के साथ ठीक है जी छो आठ बटा दो तो आठ बटा दो रखा मैंने इसके बी वाले के साथ तो

एक सीधी लाइन पर हैं ये आपको बताना है तो सीधी लाइन पर हमें यहाँ पे दिख तो रहा है हां जी हैं ये तो बात है हमें पता है लेकिन लिखकर कैसे समझाएंगे इसको लिखकर समझाने के लिए हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि अगर हम इन दोनों की दूरी निकालें अगर हम क्या करें अगर हम इन दोनों की दूरी निकालें और इन दोनों की दूरी निकालें और उसको तीसरे की दूरी के बराबर रख दें मगर ये दूरियां बराबर आ जाए मतलब इन दोनों की और इन छोटे वाले दोनों की दूरी इस बड़े वाले के बराबर आ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये तीनों एक ही लाइन पर हैं मतलब किसी भी दो की दूरी दो का डिस्टेंस उसका सम तीसरे के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि वो तीनों एक ही लाइन पर हैं ऐसे आप समझ सकते हैं ये एक छोटी सी थ्योरम है वही यहाँ पर यूज़ होनी है तो डिस्टेंस निकालना है आपको आप पहले जी का निकाल लो फिर एच का निकाल लो फिर जी का अलग से निकाल लो फिर देख लो कोई से दो किसी तीसरे के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वो हैगी वही मैंने यहाँ पर करा है यहाँ पर मैंने बी ऑप्शन में करा है क्या करा है ये रहा जी की वैल्यू निकाली जी का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फार्मूला आगे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन फार्मूले यहाँ पर आपको दे रखे हैं ठीक है ये जो ए के पॉइंट है और यहाँ पर आपको जी के एच के और के के तीनों के यहाँ पर दे रखे हैं तो यहाँ से मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन करा ठीक है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट डिस्टेंस फॉमूला लगाया यहाँ से मैंने ये निकाला आपका कौन सा आ गया जी एच या आपका एच के या आपका जी के आ गया अब यहाँ पर मैंने देखा ये है रूट तेरह और रूट तेरह रूट तेरह और रूट तेरह मिलकर कितने हो गए दो रूट तेरा और ये है ऑलरेडी दो रूट तेहरा मतलब इन दोनों का मिलकर इसके तीसरे के बराबर आ रहा है तो यस जब इनका मिलकर तीसरे के बराबर आ रहा है यही कंडीशन होती है कि अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस मिलकर तीसरे के बराबर आ जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इसीलिए हमने लिख दिया कि भैया जी एच के के लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन ये एक सीधी रेखा में आ रही ये स्टैंडर्ड लेवल के खतरनाक सवाल जिनकी मैं चाहता हूं कि आपको तैयारी हो आपको पता हो कॉन्सेप्ट इज पावर यस वेरी गुड ठीक है अब इसका एक ऑप्शन और भी है इधर देखो अच्छा सा ऑप्शन है इस पर भी नज़र मारो ऑप्शन है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ डिफेंसिव मिडफील्डर अगर जो डिफेंसिव वाला मिडफील्डर है कहाँ पर है आपका देख लेते हैं एक बार इसको नज़र मार के डिफेंसिव मिडफील्डर कहाँ गया इसका ऑप्शन सी का बी इज द मिड पॉइंट देखते हैं ये रहा इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए बी ए और बी तो ए है यहाँ पर हमारे पास ये रहा ए और बी है हमारे पास दूसरा ये रहा बी ठीक है और क्या है एन स्ट्राइकर स्ट्राइकर है स्ट्राइकर है ये तो तीन ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहे हैं तीनों यहाँ पे नजर आ रहे हैं एक आपके पास ये ए है ये बी है और ये ई e है हमसे कह रहा है कि इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए बी और ई लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन के ये तीनों भी अगर सेम लाइन पर है तो यहां से हमें हाँ तीनों सेम लाइन पर तो हमें नजर आ रहे हैं ठीक है और हमसे कह रहा है कि बी जो है इस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड डी जो बी है वो बराबर फासले पर है मतलब उसकी ई से भी नजर भी नजर नजर भी दूरी बराबर है और ए से भी दूरी बराबर है मतलब ये जो बी है ये इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में है ऐसे आप समझो यह सवाल में कह रहा है तो हमें ई के पॉइंट्स बताने हैं ठीक है क्योंकि ई के पॉइंट्स हमें दिए नहीं गए उसको हमें ए भी मानना है फाइंड द पोजिशन ऑफ ई तो ई जब हमारा बीच बीच में है ये जो बी हमारा जब बीच बीच में है तो भैया यहां से यहां तक की दूरी बराबर यहां से यहां तक की दूरी बराबर इन दोनों के पॉइंट्स हमें पता है इनकी दूरी निकालो और इनकी दूरी निकालो दोनों की दूरियां बराबर रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि दूरियां बराबर हैं ठीक है तो यही चीज मैंने यहां पर लिख कर आपके लिए कर दी है कि के द मिड पॉइंट जो है वो बराबर है तो मैंने यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मुला लगा लिया ठीक है जी दूरी से भी आप कर सकते हैं और आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो बराबर ही आएगा दोनों ही कंडीशन में तो यहाँ पर बी इधर का मिड पॉइंट लगाया और उधर का मिड पॉइंट लगाया दोनों तो के मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे एक्स के साथ एक्स वाला रखा यहाँ पर यह आ गया इसके साथ वाई के साथ वाई वाला रखा माइनस थ्री जो आपका इसका दे रखा था यहाँ पे बी का पॉइंट ठीक है वन और फोर का और बी का वो मैंने यहाँ पर रखा यहाँ से आपका ए की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से आपकी बी की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का टेन तो ई के पॉइंट निकल के आ गए थ्री और माइनस टेन थ्री और माइनस टेन तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके ई के पॉइंट्स निकाल लिए हैं तो अब जाके एक सवाल हुआ। तो सवाल आपके अच्छे खासे टाइम लेंगे। अगर आपने उनके हो रहे थे आपको पंद्रह पंद्रह मिनट भी लग सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो स्टैंडर्ड वालों आपका पेपर छूट सकता है बट इस चीज का ध्यान रखना पेपर ना छूट पाए टाइम मैनेजमेंट सही से लेके चलना इसीलिए मैंने आज अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने उठाए हैं इन बात का ध्यान रखना चलिए जी इसकी पी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा वरना बाद में हो जाएगा वहाँ पर जाकर आप यह पी डी एफ डाउनलोड कर लेना क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे का ऐसे ही जब आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे चलिए जी अगला सवाल देखो यहां पर सवाल दिया गया है ये भी केस बेस्ड है और ये कौन से चैप्टर के अंदर से है ये आपका है फर्स्ट टर्म एंथ टर्म दिख रहा है तो ये आपको का एपी चैप्टर यानी समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है उसके अंदर से ये सवाल है आइए सवाल पढ़ते हैं अब सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी थ्रोस संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ कैंप कैंप के दिनों में संजीता ने 11वें दिन कितने थ्रो कितनी बार गोला फेंकने की प्रैक्टिस की अब संजीता यहाँ पर ये है दिखाई गई है ठीक है जी मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉर्ट पुट डिसिप्लिन जो मनप्रीत कौर है वो नेशनल लेवल पे खेली हुई है शॉर्ट पुट एक गेम होता है जिसमें ऐसे करके गोला बड़ा भारी सा होता है उसको फेंकना होता है ठीक है जी गोले को तो उनको रोल मॉडल मानते हुए संजीता ने ओलंपिक में जाने का फैसला किया कि मुझे ओलंपिक में स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आना है तो इनिशियली हर थ्रो रीज एट 7.56 मीटर ओनली शुरुआत में जब उसने थिरो फेंकी तो सिर्फ 7.56 7.56 मीटर की दूरी पर ही वो गोला फेंक पाई ठीक है पहले दिन की अगर हम बात करें शुरुआत की बात करें एन एथलीट इन स्कूल शी रेगुलरली प्रैक्टिस उन्होंने फिर रेगुलरली प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस के बाद उन्होंने क्या करा इंप्रूव द डिस्टेंस बाई नाइन सेंटीमीटर एवरी वीक हर हफ्ते वो डिस्टेंस बढ़ाती गई मतलब दूर और दूर और दूर फेंकती चली गई नाइन सेंटीमीटर से पहले नाइन सेंटीमीटर फिर अगले हफ्ते और नाइन सेंटीमीटर दूर फेंका फिर और नाइन सेंटीमीटर दूर फेंका इस तरीके से फेंका ड्यूरिंग द स्पेशल कैम्प फॉर फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन का कैंप चला ठीक है उन्होंने स्टार्ट विथ फोर्टी थ्रूज पहले दिन जो है वो चालीस थ्रो फेंकी चालीस थ्रो से शुरुआत करी और फिर बारह बारह थ्रो वो बढ़ाती चली गई मतलब पहले दिन चालीस थ्रो फेंकी फिर बारह बढ़ा दी बावन फेंकी फिर बारह बढ़ा दी चौंसठ फेंकी इस तरीके से वो थ्रो जो है वो फेंकती चली गई अब इलेवेंथ डे ठीक है ग्यारहवें दिन उन्होंने कितनी फेंकी हमें यह बताना है तो अब आपको देखो यहाँ पर सब चीज़ें पता है पहले दिन कितनी फेंकी चालीस जीरो कितनी कितनी वो बढ़ा रही हैं बारह बारह बढ़ा रही हैं तो आपको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया आपको डी भी पता चल गया जो कॉमन डिफरेंस होता है तो यहाँ से आप ए पी निकाल लेंगे ए पी निकल जाएगी तो अब आपसे ग्यारहवा पद पूछ ले बारहवा पूछ ले कोई सा भी पूछ ले बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा तो ये सवाल समझ में आया आपको पहले कॉमेंट करके बता दो यस और नो सवाल आपको समझ में आ गया होगा अब हमें क्या करना है ग्यारहवां पद निकालना है ठीक है एंथ टर्म निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ग्यारहवा निकालना है तो भैया जी ए प्लस ग्यारहवां निकालना है तो ग्यारह माइनस एक इंटू डी ए आपको पता है उन्होंने चालीस फेंकने से शुरुआत करी थी ठीक है जी चालीस फेंकी हैं तो यहाँ पर पहला जो चालीस आ जाएगा यह आपका ग्यारह माइनस एक आ जाएगा इलेवन माइनस वन और डी कितना है बारह बारह से उन्होंने बढ़ाते चली गई थी तो चालीस प्लस यहाँ पे दस आ जाएगा यहाँ पे बारह आ जाएगा फोर्टी और यहाँ पर एक सौ बीस आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा एक सौ साठ हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल गया है ग्यारहवा पद कि हाउ मेनी थ्रोज संजीदा प्रैक्टिस ऑन इलेवेंथ डे तो ग्यारहवें दिन उन्होंने इतने थ्रोज़ की प्रैक्टिस करी ऐसे आपको इसको निकालना था ऑप्शन बी देखते हैं वॉट वुड बी संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ सिक्स वीक ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें नाइन्टी परसेंट बच्चे गलत करेंगे क्यों करेंगे रीज़न सुनो अब जितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं सब ध्यान से सुनना कि ये जो है सवाल गलत कर सकते हैं बच्चे अक्सर देखिए सवाल पढ़िए सवाल क्या है वॉट वुड बी संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ सिक्स वीक जब छठा हफ्ता ख़त्म हो गया सिक्स वीक ख़त्म होने के बाद संजीता की थ्रो जो है वो कितनी है या कितनी होगी तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे छठे हफ्ते की बात हुई है ना तो वो निकालेंगे ए सिक्स कि भैया छठे हफ्ते की बात हुई है ए सिक्स निकालो और ए सिक्स निकाल के वो आंसर कर देंगे आंसर गलत हो जाएगा जी हाँ आंसर गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सवाल आपने ठीक से नहीं पढ़ा स्टैंडर्ड में थे लेवल आपको हाई मिलेगा थोड़ा सा सवाल समझो लिखा है एट द एंड ऑफ सिक्स वीक्स मतलब छः हफ्ते ख़त्म होने पर अब इसका मतलब क्या है कि छः हफ्ते पूरे हो चुके हैं छः हफ्ते पूरे हो चुके हैं अगर छः पूरे हो चुके हैं तो कौन सा हफ़्ता चल रहा होगा अब अब सातवां हफ़्ता सेवंथ वीक चल रहा होगा तो यहाँ पर ए सिक्स निकाल के आपको आंसर नहीं लाना आपको आंसर ला रहे हैं ए सेवन का आपको सातवें पद का सातवें हफ्ते का पूछ रहा है कि छः हफ्ते ख़त्म होने तक कितना फेंक दिया तो सातवें हफ्ते में कितना फेंकेगी ये आपको बताना है वॉट वुड बी वुड बी कितना होगा समझ में आई बात तो ये गड़बड़ बच्चे कर देंगे तो छः से नहीं निकलेगा सात से निकलेगा ठीक है जी ये बात आपको ध्यान रखनी है तो सात रख के आप निकाल लेंगे फिर ऑप्शन सी है सी ऑप्शन में है सम सम कैसे देखिए हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ फिफ्टीन डेज जो ये पंद्रह दिनों का कैंप हुआ उसने कितने टोटल थ्रो फेंके तो भैया पहले दिन उसने पैंतालीस से शुरू चालीस से शुरू करा था वो बारह बारह बढ़ा दी चली गई तो जब चालीस से शुरू करा होगा पहले चालीस फेंके फिर जो है बारह बढ़ा दिए चलो जी बावन हो गए फिर बारह बढ़ा दिए चलो जी चौंसठ हो गए फिर बारह बारह बढ़ा दिए तो इस तरीके से 15 दिन का जो ये कैंप चला तो 15 दिन तक इन सब का टोटल कितने थ्रो उन्होंने टोटल फेंके तो हमें क्या करना है हमें भैया ए भी पता है हमें डी भी पता है हमें एन भी पता है 15 दिन चलाए तो ए पता है डी पता है एन पता है सम का फार्मूला लगाओ सम का फार्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से क्या फार्मूला होता है आपका एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी वो फॉर्मूला लगाएंगे सम आपका निकल के आ जाएगा एन की जगह आपका यहाँ पे पंद्रह दिन चला है कैम तो पंद्रह बटा दो आ जाएगा और आपका ए भी आपको पता है डी भी आपको पता है सब कुछ रख के सॉल्व कर लोगे तो ये था ही सवाल को समझने की बात ठीक है अब सवाल समझ में आ गया तो अब इसको लिखना कैसे है अब आप वो सीखिए लिखना आपको इसको ऐसे है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बड़े तमीज से बड़ी ही अच्छे तरीके से आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख कर आना है एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे मार्क्स देते हैं ऐसे आपको लिखना है ऑप्शन ए नंबर ऑफ थ्रोज ड्यूरिंग कैंप नंबर ऑफ थ्रोज कैंप में उसने ए पहले ए से शुरुआत करी थी तो ए आपका फर्स्ट पहला पद हो गया कॉमन डिफरेंस बारह डी बारह है क्योंकि बारह बारह से वो बढ़ाती चली जा रही थी तो हमें निकालना था क्या ग्यारहवें दिन कितना फेंका होगा ठीक है तो ग्यारहवें दिन की आ गई ग्यारहवें दिन के लिए ग्यारह पद निकालना था ए ग्यारह रखा चालीस प्लस एक सौ साठ निकल के ठीक है जी ऑप्शन नंबर बी देखो बी बी में यहां पर क्या दिया गया है ऑप्शन में हमारे पास है दो ऑप्शन है बी में दो ऑप्शन है आपका सिक्स वीक वाला है और एक इसका नीचे भी है वेन विल बी एबल टू अचीव थ्रो ऑफ इलेवन पॉइंट मीटर तो मैंने ये और वाला इसका लिया है शायद एट थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ सिक्स नहीं एंड ऑफ सिक्स वीक वाला है ठीक हाँ देखो तो ए हमारा

सेवन पॉइंट फाइव सिक्स मीटर दूर फेंका था फिर अगले दिन अगले हफ्ते उन्होंने नौ नौ सेंटीमीटर मतलब नौ नौ सेंटीमीटर से वो दूरी बढ़ती चली गई उनके फेंकने की पावर बढ़ती चली गई दूरी बढ़ती चली गई तो यही पूछा है कि यहाँ पे सिक्स वीक जब छठा हफ्ता ख़त्म हो जाएगा तो संजीता की थिरो का डिस्टेंस जो वो फेंक रही हैं थिरो उसका डिस्टेंस कितना होगा तो इस कंडीशन में हमने ए लिया सेवन पॉइंट फाइव सिक्स डी जो है वो नाइन सेंटीमीटर से बढ़ता जा रहा है इस सेंटीमीटर को हमने फिर मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि बाकी चीज़ें मीटर में हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लिख भी देता हूँ किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको यूनिट का ध्यान रखना है ठीक है जी यूनिट जो है यूनिट सेम होने चाहिए यूनिट गड़बड़ अगर हो गई तो आपका जवाब गलत आएगा तो यूनिट मीटर में चल रहा है सारा तो हम इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे एन हमारे पास सिक्स वीक है अब है तो सिक्स वीक लेकिन हम सातवें का लेंगे क्योंकि एट द एंड लिखा था तो सातवें वीक का हमने निकाला ए हमारे पास ये दूरी आ गई ये हमारे पास सात वीक का रहे हैं डी इतने इतने से बढ़ रहा है इसको सॉल्व करके एट मीटर अब यहाँ पर छोड़ के मत आना जी हाँ इसका भी लिखना इसका भी मार्क्स होते हैं किसके संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ सिक्स वीक के छठे हफ्ते के खत्म होने के बाद संजिता का जो थ्रो का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो चुका होगा 8.10 मीटर उसने शुरुआत करी थी 7.56 मीटर पहले दिन सिर्फ साढ़े सात मीटर दूर फेंक पाई थी लेकिन अब वो 8 मीटर से भी ज़्यादा दूर बॉल फेंक पा रही है ये करना है और सम वाला मैंने आपको बता ही दिया है सम निकालना था टोटल एन आपको 15 दे रखा है डी भी पता है ए भी पता है फॉर्मूला लगा के आपको सम निकाल के आना है कि भैया पंद्रह दिनों में टोटल उन्होंने अट्ठारह बार गोला या वो बॉल फेंकी अट्ठारह थ्रो उन्होंने करी है ठीक है जी ये सारी चीज़ें जब आप ऐसे लिख कर आएंगे, इसका आपको एक मार्ग एक मार्क मिलेगा इसका मिलेगा इसका मिलेगा तो इस तरीके से आप पूरा वो जो चार नंबर के पेपर का सवाल है वो पूरा आप कर पाओगे ठीक है पी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी डाउनलोड करके रख लेना एक बार देख भी लेना और खुद भी कर लेना सारी कैलकुलेशन कैसे कैसे मैंने सवाल करा है देखना जरूरी है अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर आ जाता है ये ठीक है जी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं केस बेस तीन आते हैं तीनों हमने कर लिए बहुत अच्छे से कर लिए पैंतीस मिनट लगे आधे घंटे में तीन हमारे पास सवाल हो गए हमारे केस बेस तो आपके बारह नंबर आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे और आपको भी आधा घंटा लेना है आपको भी परसों पेपर में आधे घंटे में ही मतलब एक केस में सवाल कोशिश करना दस मिनट में हो जाए हद से हद पंद्रह मिनट बस इससे ज़्यादा नहीं जाना पंद्रह मिनट के अंदर ही अंदर आपको एक केस बेस का सवाल सॉल्व करना है ठीक है अब यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है जो कि केस बेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि पाँच नंबर के हैं केस बेस चार का था ये पाँच नंबर के हैं पूरे पूरे पाँच नंबर आपको ये देखे जाते हैं इस तरीके से वो पाँच नंबर मिलते हैं कौन कौन सी स्टेप का कितने कितने नंबर है वो मैंने आपको दिखा रखे हैं ठीक है अगर आपने टेबल बना दिया अच्छे से एक नंबर मिल गया ठीक है फ्रीकवेंसी का सम कर दिया मतलब जो एफ वो था एफ फ्रीक्वेंसी उसकी अगर आपने टोटल कर दिया आधा नंबर उसका ले लिया इस तरीके से नंबर आपके बटे हुए होते हैं खैर हमें निकालना क्या है दो चीजें निकाल ली है हमें क्या निकालना है दो चीजें निकालनी है इफ द एक तो हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है जो हमें यहां पर इस टेबल के अंदर ये पी और क्यों नजर आ रहा है एक तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू के लिए हमें मीडियन दे रखा है हमें मीडियन दे रखा है और हमें इसके साथ साथ फाइंड द मोड हमें मोड भी निकालना है तो मीडियन जो दे रखा है उसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे अब ये निकालेंगे उसके बाद फिर हम मोड निकालेंगे तो पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं मीडियन का फार्मूला आपको पता होगा बहुत अच्छे से अगर ना याद हो तो याद कर लेना ठीक है मीडियन का फार्मूला जो आपका होता है ठीक है होगा आपको याद कर लेना काम आने वाला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और बाहर इन टू में आपको उसके लिए इसकी निकालनी पड़ेगी फिर उस फ्रीक्वेंसी में आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो पचास मीडियन है कौन सी फ्रीक्वेंसी से जस्ट छोटा है तो उसी फ्रीक्वेंसी की क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास वहां से निकल जाएगी एन आपको निकालना है एन आपको पता चल जाएगा भैया एन बाई टू कर लेंगे क्योंकि आपके जो फ्रीक्वेंसी होंगी उनका एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके होंगे फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी दे रखी है हाइट यहाँ पे आ जाएगी दस दस का आ जाएगा तो ये सब यूज करके सारी वैल्यू आपको चल आपने हाँ पर क्या हुआ मीडियन निकाल निकाल लिया ऐसे आपको लेना है एक बार मीडियन निकल जाएगा तो मोड तो फिर आराम से निकल जाएगा तो आइए मीडियन निकालने पे नजर मार लेते हैं ये रहा मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीएफ निकालना है अब सीएफ कैसे कैसे निकलेगा तरीका वही है पी क्यूँ आ गए डरना या घबराना नहीं है भैया पी था एज इट इज लिख दिया पी में पंद्रह जोड़ा पंद्रह प्लस पी हो गया पी और पंद्रह अलग अलग हैं तो भैया जुड़ नहीं सकते तो पंद्रह प्लस पी इसको पंद्रह पी मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी पंद्रह पी का मतलब है पंद्रह गुणा पी मतलब फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय पी अगर आप इसको पंद्रह पी लिख देते जोड़ के तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो उसका मतलब होता है पंद्रह इन पी तो ऐसा मत करना प्लस है तो बीच में प्लस लगाना तो पी पंद्रह प्लस पी इस

ठीक है जी सी एफ हमारी ऐसे निकल के आ चुकी है अब देखिए हमें यह दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी 90 है फ्रीक्वेंसी हमारी 90 है और ये जो सी एफ हम करते हैं कम्युलेटि फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं इसका जो सबसे लास्ट का जो ये डिजिट आता है यह हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ठीक है जी टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का तो इसका मतलब ये पूरा जो बराबर है ये जो अठहत्तर प्लस पी प्लस क्यू जो निकल के आया है ये नब्बे के बराबर होगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का सम है और ये भी फ्रीक्वेंसी का सम है दोनों फ्रीक्वेंसी के योग हैं जोड़ हैं तो इनको हमने बराबर रखा इनको बराबर रखने से अठहत्तर प्लस का था इधर जाके माइनस का हुआ तो पी प्लस क्यू की वैल्यू जो है बराबर आ गई बारह यहाँ से इनकी वैल्यू निकालने में हमें आसानी रहेगी अब अब क्या अब आपको सारी वैल्यू पता है एल हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो पचास पचास कैसे आ गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे निकाली ये ये वाली देखिए सिक्सटी प्लस पी तो कहीं ना कहीं जो मेरी एन बाई टू होगा पैंतालीस जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे छोटा होगा चालीस से तो बड़ा होगा लेकिन साठ से छोटा होगा तो इसके अंदर होगा मेरा फोर्टी फाइव तो यही मेरी होगी मीडियन क्लास जो मैंने येलो कलर से मार्क करी है तो फिफ्टी सिक्सटी मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा ये इसकी फ्रिक्वेंसी ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो पचास यहाँ से आ गया पचास आ गया एन बाई टू पैंतालीस का आधा माइनस का सी एफ जो होता है हमारा एक ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी

पी है यहाँ पर माइनस का पी बचा है अब ये दो नीचे डिवाइड में था ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे तो ज़ीरो था ज़ीरो से टू की मल्टीप्लाई हो गई तो ये ज़ीरो ही हो गया सब कुछ ख़त्म हो गया फ़ाइव माइनस पी बचा फी ये जो पी है ये उधर आके प्लस का पी हो गया तो भैया पी की वैल्यू आ गई फाइव जब पी की फाइव आ गई तो क्यू की निकाल लेंगे इसकी हेल्प से भैया पी की पता है क्यों की निकल जाएगी बारह में से पाँच जाएगा सात बचेगा वो जो सात है वो क्यू है तो हमें पी भी पता चल गया हमें क्यू भी पता चल गया दोनों की वैल्यू पता चल गई अब आप मोड निकाल लीजिए तो मोड का फार्मूला आप

तो मीडियम का तरीका अलग है और मोड का तरीका अलग है चालीस लिया अब यहाँ पर आपको पता है कि ये आपकी चालीस वाली है तो ये वाली एफ होती है ऊपर एफ जीरो नीचे एफ टू मतलब सिंपल सीरीज में आते हैं जीरो वन टू ऐसे करके ये हम यहाँ पे लिख दिया आप भी ऐसा लिख लेना अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल लेकर जाना और पेंसिल से ऐसे लिख लेना ऐसे लिखने से गड़बड़ी नहीं होती गलती नहीं होती देखने में क्या आप जल्दीबाजी में देखा कुछ का कुछ आपको पता है एफ जीरो ये है एफ़ वन ये है एफ़ टू ये है और ये आपकी मॉडल क्लास है ये चीज़ आप पेंसिल से करना आपको आसानी रहेगी सवाल में वैल्यू पुट करने में अब ये सब मैंने लिखा हुआ था लिखने के अकॉर्डिंग एफ वन के जगह पच्चीस आ गया एफ वन की जगह पच्चीस आ गया एफ जीरो की जगह पंद्रह आ गया एफ ज़ीरो की जगह पंद्रह आ गया पाँच पचास ठीक है नीचे टू एफ़ वन होता है तो पच्चीस जूनी पचास कर दिया पंद्रह का पंद्रह आ गया एफ टू यहाँ पर बीस है तो एफ़ टू यहाँ पर मैंने बीस कर दिया इन सबको मैंने सॉल्व कर लिया पच्चीस में से पंद्रह आ गए दस बचे यहाँ पर इनको सॉल्व करा पंद्रह बचा यहाँ पर बाहर दस चल ही रहा है इसको डिवाइड करा डिवाइड करके जोड़ दिया आंसर आ गया तो ऐसे आपका मोड निकल के आ गया हॉल राइट तो ये चीज़ थी पांच नंबर का बड़ा सवाल जहाँ पे आपको मीडियन भी निकलवाया मतलब दे रखा था पी क्यू निकाले और आपने मोड निकाला दो चीज़ें आपने एक साथ निकाली हैं इस सवाल को देख लेना पीडीएफ में समझ लेना कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल पे आप नज़र मान लीजिए फटाफट से ये सवाल थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं तगड़ा सवाल है ठीक है पानी जो है वो बह रहा है मैंसूरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के अंदर से ये सवाल जो है वो लिया गया है ठीक है जी जल्दी से नजर मारो इतने में पानी पी के गला गीला कर लूँ थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ़ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर मतलब पानी जो है वो बह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब एक घंटे में 15 किलोमीटर पानी जो है वो बह जाएगा पहल के रखे होंगे बोलिए ना उसमें होंगे पैकेट में हाँ जी सवाल पढ़िए बहुत ही तगड़ा सवाल है बहुत अच्छा से अच्छे लेवल का सवाल है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ फिफ्टी मतलब पानी जो है ना वो पंद्रह किलोमीटर की स्पीड से बह रहा है किसी पाइप में से वो पाइप का जो मुंह है जो डायमीटर है वो फोर्टीन सेंटीमीटर है सम्भाल समझाता हूँ पहले देखो ये पाइप का मुंह है और बड़ा बना देता हूँ ये पाइप का मुंह है ये कोई पाइप है इस तरीके से ये एक पाइप है पाइप का मुंह है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है इसका जो कि डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक पाइप का जो मुंह की चौड़ाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है अब इसके अंदर से ना पानी बह रहा है पानी बहुत स्पीड से आ रहा है इसके अंदर से कितने की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चलता हुआ जब पानी ऐसे करके आ रहा है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर से पानी जो है वो बह रहा है फुल एकदम भर के इसके पूरे मुंह की चौड़ाई में पूरा भर के पानी से बह रहा है अब पानी जो जा रहा है पानी कहाँ जा रहा है ये पानी जा रहा है इन टू क्यूबोइडिकल पोंड एक क्यूबोइड एक घनाब की शक्ल में एक पोंड एक तालाब है तो घनाब कैसा होता है वो भी आपको पता है तो यहाँ पर घनाब मैं आपके लिए एक बना देता हूँ ठीक है तो एक क्यूबोइड बनेगा क्यूबोइड को जिस का आपका बनता है ठीक है ऐसे करके मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ अभी आपके आइडिया के लिए तो इस टाइप का जो है एक बॉक्स है एक पौंड है एक तालाब है जो कि क्यूबोइडिकल जैसे कि वो होते हैं ना खेत में जो बीच में बना देते हैं वो जिसमें आप नहाते भी हैं बच्चे गांव में जब जाते हैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका क्या बोल ट्यूब वेल हाँ ठीक है ट्यूब वेल जो होता है चोकोर होता है इस तरीके ही उसमें ऐसी पाइप लगा होता है सेम वही कंडीशन है तो इसके अंदर से पानी बह रहा है ऐसा पौंड है हमारे पास पोंड की लंबाई चौड़ाई दे रखी है पचास मीटर लंबा है तो पोंड की ये जो लंबाई है ये लंबाई जो है वो पचास मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो चवालीस मीटर है ये उसकी चवालीस मीटर चौड़ाई आ गई चलो जी काफी बड़ा पोंड है इसका मतलब अब हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता मतलब इसकी गहराई नहीं पता कि ये कितना गहरा है हमें इसकी गहराई नहीं पता चलो जी अब क्या है इन वॉट टाइम विल द लेवल ऑफ वॉटर कितने वक्त में कितने टाइम में पानी का जो लेवल है वो पौंड के अंदर 21 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा सवाल समझ में आ रहा है 21 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा अब ये आपको देखना है मतलब इसके अंदर भी पानी गिर रहा है तो पानी इसके अंदर भरना शुरू होगा तो कितनी देर में पानी का जो लेवल है इसके अंदर जो पानी है यहाँ पर यह भरना शुरू हो गया ये लो जी पानी भी भर दिया मैंने ये पानी जो है नीला नीला इसके अंदर भरना शुरू हो गया इधर से और इधर से ये इसका पैदा आ गया नीचे तो कितनी देर में पानी का जो लेवल है वो ये जो है ये कितना इक्कीस सेंटीमीटर हो जाएगा ये आपको बताना है तो अब देखिए पानी बहा है किसी स्पीड से बहा है अब पानी जो है वो इसके अंदर जंगा घेर रहा है तो कहीं ना कहीं हम क्या निकालेंगे हम वॉल्यूम निकालेंगे हम आयतन निकालेंगे हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी जिस वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई तो ये है लेकिन पानी सिर्फ इतना भरा है इक्कीस सेंटीमीटर तो हमें इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा तो इसको मीटर में जब हम बनाएंगे तो सौ से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो पॉइंट टू वन मीटर आ जाएगा तो ये मीटर में आ गई चौड़ाई अब उ, इसकी ऊंचाई अब समझो हमें एक चीज़ की लंबाई पता है चौड़ाई पता है ऊँचाई पता है जब हमें ये तीनों चीज़ें पता है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं फिर हम इसका जो है वो आयतन वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितने लीटर पानी आ गया कितने लीटर पानी आ गया ये हम निकाल लेंगे एल इन टू बी एन एच लगा के क्या लगा के फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड का जो एल इन टू बी एन एच होता है जो कि हमारे पास यहाँ पर पचास है ठीक है चौड़ाई चौवालीस है और हाइट कितनी आ गई आपकी ज़ीरो पॉइंट टू वन मीटर यहाँ से हमें कितना पानी भरा गया वो पता चल जाएगा कितना पानी भरा गया अब स्पीड हमें पता है पानी की कि पानी कितनी स्पीड से आ रहा है पंद्रह हज़ार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है तो यहाँ पर पानी आने की स्पीड पता है पानी आया और इतना आया तो जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर में आ गया मतलब इतना पानी कितनी देर में भर गया ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बहुत गहरा सवाल है इसीलिए आपको इसको सीखना जो है वो ज़रूरी है अब आइए नज़र मान लेते हैं कैसे आपको इसको लिखना है सवाल मैंने आपको समझा दिया पूरा सवाल समझ में आ गया अब इसको थ्योरी में कैसे लिखना है आपको ऐसे लिखना है यहां पर आप देखिए सबसे पहले हमें लिखना है लेंथ ऑफ द पौंड पानी की जो जो तालाब था पौंड था उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई ये हमें यहां पर दे रखी थी ये हमने लिख ली गिवन में जो चीज़ें सवाल में दे रखी हैं पहले वो भी लिखना गिवन में ये लिख दिया हमने वाटर लेवल राइज बाय 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर मतलब 21 बटा सौ मीटर से पानी का लेवल उसके अंदर बढ़ा है ठीक है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पॉन्ड तो वॉल्यूम निकालने के लिए वही एल इंटू बी इंटू एच करा तो ये आ गया पानी इतना पानी जो है उसके अंदर आ गया है पॉन्ड के अंदर अब देखिए बात बात क्या है नाव डायमीटर ऑफ पाइप जो पाइप है जिस पाइप में से पानी बह रहा है वो पाइप का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है मैंने आपको बताया था रेडियस उसकी आधी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी और सेवन सेंटीमीटर आ रही है इसको भी हम फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारे यूनिट मीटर में चल रहे हैं तो हमने सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हंड्रेड से डिवाइड कर दिया अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप अब पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है समझिए यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर यह हुआ है कि देखिए सवाल समझिए ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या बन रहा है ये एक सर्कल बन रहा है ये क्या बन रहा है ये तो एक सर्कल बन रहा है इस तरीके से गोला बन रहा है और पानी कहीं पीछे से आ रहा है तो कहीं ना कहीं पाइप जो है क्या है ये एक सिलेंडर है एक सिलेंडर है ये बात समझ में आई भैया ये इसका क्रॉस सेक्शन है इस एरिया में से पानी गुजर रहा है और पीछे से पानी सीधा सीधा आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में पानी जा रहा है तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है कि क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है पायल स्क्वायर जो उसकी गोलाई है ये उसकी गोलाई का एरिया आ गया ठीक है जी गोलाई का आ गया अब पानी जो बह रहा है वो पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है ये किलोमीटर है इसको भी मीटर बनाएंगे इसको मीटर बनाने के लिए हमने इसकी हज़ार से मल्टीप्लाई गुणा करा दी तो ये पंद्रह हजार मीटर पर आवर बन गया है ठीक है मीटर पर आवर बन गया सिर्फ हमने टाइम से उसकी किलोमीटर का मीटर बना दिया अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग अब पानी जो बहा है भैया पंद्रह किलोमीटर पंद्रह मीटर की रफ्तार से बहा है वो ठीक है पंद्रह हज़ार की रफ्तार से बहाए और इतने एरिया में से बहाए तो इतने स्पीड से इतने एरिया में से पानी बहाए तो यहाँ से हमें कितना पानी बह गया वो पता चल जाएगा तो इतनी स्पीड से इतनी मोटी गोलाई में से पानी बहाए तो भैया इतना पानी जो है वो बह गया ऐसे आपको इसको निकालना था 15 इंटू वन फोर्टी फाइव बाई टेन मीटर पर क्यूब अब टाइम कितना लगा टाइम के लिए आपको मैंने बताई दिया भैया वॉल्यूम ऑफ पोन्ड ऊपर रखो और एक घंटे में कितना पानी भे गया वो नीचे रखो तो एक घंटे का पानी यहाँ पर हमने निकाल लिया था ये हमने नीचे रख दिया वॉल्यूम ऑफ जो वो था हमारा ये जो हमें चार निकाला था ये मैंने ऊपर रख दिया ये जो नीचे वाला रस था ये रस ऊपर आ गया काटा पिटी करी का, जो भी कट सकता था काट दिया डिवाइड कर दिया दो घंटे आंसर आ गया ठीक है जी दो घंटे आंसर आ गया कि दो घंटे में पानी इतना आ जाएगा मतलब ये जो पानी आया है थोड़ा सा कहाँ चला गया ये रहा ये जो पानी बढ़ा है ना थोड़ा सा ये पानी दो घंटे में भरा जाएगा जब पानी पंद्रह हजार किलोमीटर की रफ्तार से इसी पाइप के इस मुंह के अंदर से इसमें गिरेगा तो दो घंटे लगेंगे यह पूरा आपका सवाल था ठीक है जी अगला सवाल इसी के अंदर एक और है पांच नंबर का सवाल है बड़ा सवाल इसी में एक और है वॉट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेंड इन वन आवर अगर हमें सिर्फ इसी पानी को एक घंटे में भरना होता तो पानी की स्पीड क्या होती अभी पानी की स्पीड जो है अभी पानी की स्पीड है पंद 15000 किलो ठीक है 15 किलोमीटर पर आवर चलो किलोमीटर में रख लो अभी पानी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर तो ये ले रही है दो घंटे अगर हमें इसको एक घंटे में करना हो मतलब टाइम हमें आधा करना है जब हमें टाइम आधा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा तो हमें स्पीड डबल करनी पड़ेगी समझ में आई बात स्पीड डबल हमें करनी पड़ेगी तो स्पीड डबल कर देंगे तो भैया अभी पंद्रह हज़ार की स्पीड से बह रहा है तो फिर पानी हमें बहना पड़ेगा कितने की स्पीड से तीस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो यहां पर मैंने ये तीस किलोमीटर प्रति घंटा इसीलिए लिख दिया है तो यही स्टैंडर्ड लेवल के बड़े बड़े सवाल में साइड हो जाते हूँ एक बार देख लो आप क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं ये सब आपको भी करना पड़ेगा जब ही आप जो है इसको आपको पूरा वो मिलेगा नंबर यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे जब आप इस तरीके से लिख कर आएँगे एक एक चीज़ डिटेल के अंदर इसी चीज़ के आपको मार्क्स दिए जाएंगे पूरे के पूरे पाँच पीडीएफ hmm. आपको मिल जाएगी उसके बाद आप आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहां पर देखते हैं ये सवाल है आपके पास देखिए बच्चों यहां पे जो सवाल आप देख रहे हैं आप डायरेक्ट सवाल है बिल्कुल डायरेक्ट क्या सवाल है कि ऑप्शन एक देखिए इसका स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम को बताइए समझाइए प्रूफ कीजिए अभी हमने जब कल जो लाइव सेशन किया था जो हमने कल लाइव सेशन किया है ये वाला इसके अंदर भी बे इस वाले पेपर के अंदर भी बी थ्योरम डायरेक्ट पूछी गई थी तो इसमें भी डायरेक्ट पूछी गई आज जो हम कर रहे हैं इसमें भी डायरेक्ट पूछी गई तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी गट फीलिंग आ रही है ऐसा लग रहा है कि परसों आपके पेपर में डायरेक्ट ही बी थ्योरम पूछी जाएगी डायरेक्ट कि डायरेक्ट बी थ्योरम क्या होती है वो बताओ एक्सप्लेन करो उसको साबित करो तो ऐसा हो सकता है तो इसको ध्यान से कर लेना इस थ्योरम को बिल्कुल मिस मत करना ठीक है जी चलिए अभी यह थी मैंने कल वाले लाइफ स्टेशन में यहाँ पर करा दी थी विद सॉल्यूशन तो यहाँ पर आप इसको देख लेना यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी अब इसका मैं ले रहा हूँ ऑप्शन बी जो कि ये है ये भी बड़ा सवाल है पाँच नंबर का सवाल है देखो सवाल में क्या है हमें दे रखा है इन गिवन फिगर दी गई फिगर के अंदर जो है क्या है एंगल सी ई एफ सी ई एफ है कहाँ पे ये रहा सी ई एफ एंगल जो है ये बराबर है सी एफ ई के सी एफ़ ई के तो सी एफ ई ये वाला है अच्छा ये एंगल इसके बराबर है जब ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके बराबर ये वाली साइड हो जाएगी क्योंकि जब दो एंगल बराबर होते हैं उनके आमने सामने की साइड्स भुजाएं भी बराबर होती हैं और ये एक आईसो सेलस ट्राइंगल बन जाता है इतनी बात हमको समझ में आ गई तो हमें साबित क्या करना है और क्या लिखा हुआ है एफ़ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी ये जो एफ़ है ये इस पूरी लाइन का आधा आधा है मतलब इसको आधा इधर बांट रहा है आधा इधर बांट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि डी एफ जो है वो बराबर है एफ सी के ये बात भी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि आधा आधा डिवाइड कर रहा है अब ये है, एंगल इधर है तो यही वाला एंगल इधर भी होगा यह बात भी हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि ये बराबर है अब क्योंकि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये वाला भी होगा ये बात भी हम कह सकते हैं सब बराबर निकल रहा है जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये साइड इसके बराबर भी होगी मतलब ये साइड इसके भी बराबर है ये साइड इसके भी बराबर है ये इसके बराबर है क्योंकि छोटी वाली सारी साइड्स बराबर हैं इतनी बातें है हमने फिगर को देख के ही पता कर ली प्रूफ क्या करना है ए बी अपॉन बी डी ए बी कहां पर है देख लो ए बी है ये पूरा का पूरा अच्छा जी बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है तो ए बी अपॉन बी डी मतलब इस पूरी साइड का रेशियो इस छोटी वाली साइड से बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी ठीक है जी ए ई अपॉन एफ डी से एफ डी है अच्छा एफ इधर है ओ हो तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी खेल है तो इधर हमारे पास ए ई इसमें है एफ डी इसमें है कोई बात नहीं जब एफ डी बराबर एफ सी है और ये बराबर इसके तो एफ डी बराबर ई सी भी आ जाएगा तो हमें बेसिकली एफ डी बराबर ई सी ला के आना है ताकि हम अपना जो ये जो हमें प्रूफ करना है इसको प्रूफ कर पाए तो ये हमें खेलना है खेल अब यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको देखने को मिल जाएंगे ए बी जो ए बी और बी डी अगर मैं देखूं, ए बी और बी डी जो आपको कहाँ मिलेगी भैया ए बी इसके अंदर है और बी डी इसके अंदर छोटे वाले के अंदर है ठीक है इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक ये बड़ा ट्राइंगल हमें लेना है ए बी ई ए, ए बी ई ए, ए बी ई एक ये लेना है और एक ये छोटा वाला लेना है इसके अंदर आपका बी डी यहाँ पर रहेगा ठीक है या बड़े वाले की ही एक बड़ी और एक छोटी साइड ले लो और उधर क्या है ए ई ए इधर इस वाले में है ए और एफ डी एफ डी यहाँ है ये एफ डी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो हमें ई सी के बराबर एफ डी प्रूफ करना है तो एफ डी की जगह ए सी रख देंगे तो ये ई सी आ जाएगा ई सी की जगह एफ डी रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो इनको ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर लेना है इनकी साइड्स पर में लिखनी है और फिर अपना आंसर जो है वो लेकर आना है चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पर नज़र मारते हैं देखिए ऐसे आपको इसको लिखना है सबसे पहले सबसे पहले हमने क्या करा हमने कंस्ट्रक्शन करी ड्रो जी डी या डी जी पैरल बी अब ये क्यों करा हमने यहां पर डी जी एक बराली इसके पैरल क्यों क्योंकि यहां पर ना हमें इस ट्राइंगल की हेल्प चाहिए इस ट्रायंगल की हेल्प चाहिए और इसके अंदर हमें इसकी इन रेशो को बराबर दिखाने के लिए हमें यहाँ पर एक पैरल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जब भी हम इस रेशो को दिखा पाएंगे तो यही काम हमने यहाँ पर किया हमने इसको ले लिया अब ट्रायंगल लिया हमने ए बी ई अब ट्रायंगल ए बी ही e का है देखो ए बी ई e. दिखाई दे रहा है आपको ए बी ई ए बी ई ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर अभी लिया है अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होगा इसके अंदर हमने क्या क्या करा हमने यहाँ पर करा कि ए बी अपॉन डी बी ठीक है ए बी अपॉन डी बी मतलब पूरी साइड और छोटी साइड बराबर है ए ई अपॉन जी बी जी ई के पूरी साइड और छोटी साइड ये है बी पी टी के द्वारा हमने इसको साबित कर दिया कि भैया इसकी बड़ी साइड का रहो छोटी साइड का बराबर है इसकी बड़ी साइड का रहो यह छोटी साइड का ये हमने यहाँ पर ये बी पी टी के अकॉर्डिंग लिख दिया है अब यहाँ पर क्योंकि सी एफ बराबर एफ डी होगा जो मैंने आपको बताया था कि सी एफ और एफ डी बराबर है क्यों क्योंकि एफ जो है वो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट है मतलब बीच वो बीच में से डिवाइड कर रहा है तो इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे अब अब दूसरा ट्राइंगल उठा लो सी डी जी सी डी जी कहाँ पर है सी डी जी ये छोटे वाले में उठाओ सी डी जी के अंदर सेम चीज़ होगी क्या क्या डी एफ अपोन एफ सी डी एफ एफ सी देखो ये रहा डी एफ अपॉन एफ सी बराबर होगा जी ई अपॉन ई सी डी एफ एफ सी बराबर होगा जी ई अपॉन ई सी जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और क्योंकि ये सब बराबर हैं ये सब बराबर हैं तो मैंने यहाँ पर इसको बन के भाई ये बराबर इसके हैं और ये बराबर इसके है ठीक है तो मैं और ये पैरल है इसके ये पैरल है तो ये बराबर है तो यहां पे डिस्टेंस बराबर होगा तो ये इसके बराबर है तो भैया ये सब वन के बराबर है तो इसको हमने इक्वल टू वन मान लिया है एक इक्वेशन मानकर अब क्या करना है सी बराबर जी ई है सी ई -E बराबर जो है जी ई -E है यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है ये भी हमें पता है छोटी वाली सारी साइड जो है वो बराबर नज़र आ रही हैं ये बराबर इसके है ये बराबर इसके है ये बराबर इसके ये बराबर इसके ये सब छोटी वाली बराबर चल रही हैं तो इस चीज़ का हमने यहाँ पर दे रखा था एंगल सी ई एफ बराबर सी एफ़ ई है सी ई एफ सी एफ़ ई हमें यहाँ पर गिवन में दे ही रखा है ऑलरेडी हमने ये लिखा ये एंगल रखा और सी एफ़ और सी ई जो है वो बराबर हैं सी एफ़ और सी ई जो है वो बराबर हैं एक ही ट्राइंगल की दो साइड से तो यहां पर हमने पता है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल क्योंकि इनके एंगल के सामने बनी है इसीलिए ये बराबर हैं तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड से हमने ये निष्कर्ष निकाला देखो सेकंड क्या है सेकंड है यहां पर ये डी अपॉन एफ और थर्ड है हमारे पास सी एफ बराबर है सी के तो इस सी एफ़ की जगह इस ए सी एफ़ की जगह हमने क्या रख दिया हमने सी एफ़ की जगह जो है वो जी ई रख दिया यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये यह बराबर आ जाएंगे क्योंकि ये वन के इक्वल है ऐसे हमने फ़र्स्ट और फोर्थ को यूज़ कर लिया फ़र्स्ट हमारे पास है ये रहा फर्स्ट में हमारे पास जी ई बराबर एफ डी आ गया क्योंकि एफ डी जो है वो सी एफ़ के बराबर है वो सी एफ़ जो है वो जी ई के बराबर है इसीलिए हमने जी ई को एफ़ डी के बराबर मान लिया क्योंकि ये सब आपस में बराबर हैं अब ऐसा करने से यहां पर जो साइड्स हमें चाहिए थी वो हमारी सिमिलर प्रूफ हो चुकी हैं फिर हम लिख देंगे भैया जो साइड हमें चाहिए थी वो हमारी प्रूफ हो गई क्योंकि सारी जो साइड है वो बराबर आ रही हैं तो हम किसी के भी बदले कोई सी भी रख सकते हैं वही हमने यहाँ पर किया हमने इसको रखा और हमारी जो बात है हैंड्स प्रूफ हो गई है तो पाँच नंबर में बड़ा सवाल ट्राइंगल के अंदर से कोई देखने को मिलेगा तो ऐसा मिलेगा अदरवाइज़ बी पी टी थियोरम एज इट इज़ आने के बहुत हद तक चांसेज़ हैं तो बी पी टी थियोरम जो है वो आप ज़रूर रिवाइज़ कर लेना हो सकता है एज इट इज आपको पेपर में रखी हुई देखने को मिल जाए तो बी थ्योरम को हल्के में मत लेना ये इसका तरीका था पूरा तरीका आपको इसमें मैंने लिख के दिखा दिया है आप इसकी पीडीएफ लेना और इसको एक बार नजर जरूर मार लेना अब कल जो है हमने किया था एक वो वाला सवाल ट्रेन वाला सवाल कल के लाइव में जो बच्चे जुड़े थे उनको पता होगा कि कल हमने क्या किया था कल हमने एक ट्रेन वाला सवाल जो है वो लिया था इस वाले लाइफ के अंदर ठीक है इसके अंदर अब आज हम ले रहे हैं एक मोटर बोट का सवाल क्योंकि मोटर बोट वाला सवाल बच्चों को मुश्किल लगता है बल्कि एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर बोट वाला करवा देना आज के लाइव में तो इसीलिए मैंने आपकी बात मानते हुए बोट का सवाल ले लिया है सवाल को तरीका समझो कैसे होगा ये जानो ये सीख लोगे बहुत आसान है पाँच नंबर आपको ये सवाल देखे जाएगा और आसान सवाल है ऐसा नहीं कि मुश्किल है समझाता हूँ आपको देखिए यहाँ पर मोटर बोट वाले सवाल को कैसे करना है समझ सबसे पहले सवाल पढ़ना सवाल में कह रहा है अ मोटर बोट वोज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एक मोटर बोट है ठीक है जी एक पानी की नाव है मोटर वाली नाव है यहां पर उसके मोटर भी लगी हुई है चल रही है पानी में अगर वो खड़ी हुई है ठीक है मतलब पानी स्टिल है अगर पानी कहीं बह नहीं रहा पानी एक जगह पर रुका हुआ है रुके हुए पानी में उसकी जो रफ्तार है बोट की वो कितनी है अट्ठारह किलोमीटर प्रति घंटा है रुके हुए पानी में अब क्या है वोटर टेक्स वन आवर ठीक है मोर टू गो ट्वेंटी फोर किलोमीटर अप इस्ट्रीम अगर ये जो नाव है ये चौबीस किलोमीटर कहीं चढ़ाई चढ़ती है कोई नदी है अप इस्ट्रीम में जा रही है मतलब मान लो इस तरीके से कोई नदी बहती हुई नीचे की तरफ आ रही है और ये बोट जो है उस नदी के ऊपर ऐसे करके चढ़ाई कर रही है तो तो क्या चौबीस किलोमीटर की ये पूरी की पूरी जो है नदी है तो ये एक घंटा ज़्यादा लेती है एक घंटा ज़्यादा लेती है नीचे आने के कंपेरिज़न में तो ज़्यादा क्यों लेगी उसका रीज़न ये है कि भैया पानी जो है ना पानी की ये फितरत होती है कि पानी हमेशा क्या होता है नीचे की तरफ बहता है पानी की तो ये फितरत है ऊपर से पानी फेंकोगे तो पानी ऐसे नीचे की तरफ बहता हुआ उतरेगा अब पानी उतर रहा है यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ़ बहता हुआ ठीक है जी और नीचे से एक बोट आ रही है ऊपर तो ये पानी जो है ना इस बोट की रफ़्तार को कम करता है क्योंकि इसको पीछे की तरफ नीचे की तरफ खींचता है अब बोट चल रही है ऐसे और पानी ऐसे बह रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे नीचे की तरफ बोट को लेता हुआ जाता है तो इस वजह से बोट की रफ़्तार जो है वो कम हो जाती है और उसकी रफ़्तार अट्ठारह नहीं रहेगी कुछ कम हो जाएगी सोलह हो जाए पंद्रह हो जाए कुछ ना कुछ कम होगी यह बात आपको ध्यान रखनी है तो यह केस अपस्ट्रीम इस इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम अरे भैया लिख जा ठीक है इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम तो अप स्ट्रीम में उसको एक घंटा ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम आने में क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या है देखो डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ बहाव स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव पानी का बहाव बह रहा है ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम अब अगर हमारी यही बोट नीचे की तरफ जा रही है अब से अब सोचो भैया बोर्ड भी नीचे जा रही है ठीक है वो पानी भी नीचे की तरफ़ बह रहा है तो एक तो बोट की स्पीड एक पानी की स्पीड तो दोनों की स्पीड मिल ना बोट और जल्दी बहेगी और स्पीड में बहेगी अगर अट्ठारह स्पीड है तो वो बीस बाईस तेईस चौबीस की स्पीड हो जाएगी उसकी बढ़ जाएगी तो भैया पानी अपने बहाव के साथ बोट की स्पीड और दोनों मिलके ठीक है इस तरीके से वो लेते हुए चले जाएंगे ठीक है प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में ऐसे घूमते हुए वो चला जाएगा तो यहां पर स्पीड ज़्यादा बढ़ गई तो टाइम जो है वो कम लगा ये है इसका कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया आपको ठीक है जी यह समझ में आपको आना चाहिए था तो अब क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो आपको पानी का जो बहाव ये जो पानी बह रहा है यह कितनी रफ्तार से बह रहा है आपको ये बताना है क्लियर हो गया आइए अब कैसे करना है सबसे पहले ट्रिक सवाल को करने की यह है कि जो चीज आपसे पूछी गई है उसको मान लो एक्स आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसी को मान लो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स सबसे पहले इसी को मान लो लेट द लेट द स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम माना स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है x की स्पीड से पानी बह रहा है अब स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है ठीक है स्पीड ऑफ बोट बोट की रफ्तार आपको दे रखी है कितनी है जी 18 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा डिस्टेंस भी आपको दे रखा है जो जो दे रखा है ना सब लिख लो सब लिख लोगे गिवन कर लोगे तो इसी के आपको आधा है एक फोन नंबर तो इसी का आपको मिल जाएगा अब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम ठीक है अगर मैं अप में बात करूँ तो भैया स्पीड क्या होगी मैंने आपको बताया आप स्ट्रीम के केस में क्या होगी स्पीड कम होगी ठीक है तो 18 से अगर वो बह रही है तो जो पानी की स्पीड है पानी का भाव उसको कम करेगा तो ये आपकी हो जाएगी आप स्ट्रीम के अंदर स्पीड अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड बढ़ जाएगी बोट की स्पीड में पानी की स्पीड भी जुड़ जाएगी तो और तेजी से बोट नीचे आएगी यह आ गया अब देखिए अब क्या देखिए अब यहां पर डाउन स्ट्रीम में लग रहा है उसको टाइम कम और अप स्ट्रीम में लग रहा है एक घंटा ज्यादा मतलब दोनों के टाइम का जो है वो फर्क है तो टाइम कैसे निकलता है टाइम जो है आपका निकलता है डी अपॉन एक्स से अब डिस्टेंस तो वही सेम है चौबीस किलोमीटर है दोनों की कंडीशन में एक बार जो है स्पीड वो अट्ठारह माइनस है और एक बार जो है स्पीड वो अट्ठारह प्लस है अब देख लो क्या देख लो देखिए लो कि अट्ठारह माइनस एक्स यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा तो दोनों टाइम के बीच का जो फ़र्क है वो फ़र्क कितना है वो फ़र्क है एक घंटे का तो हमने दोनों टाइम रखे दोनों टाइम के बीच में एक घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है तो हमने टाइम को माइनस करके एक लिख दिया बस यहाँ बनेगी आपकी इक्वेशन अगर जिस बच्चे ने ये कर लिया यहाँ से आपकी एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी फिर उस इक्वेशन के फैक्टर करके आप अपना आंसर लेकर आ सकते हैं ठीक है जी बस मेन खेल होता है ये जिस बच्चे ने ये चीज़ कर ली उसने समझ लो पूरा सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया है तो ये चीज़ आपके लिए समझना सबसे पहले ज़रूरी था खोल देना इसको ठीक है जी ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो समझ लो आपने पूरा सवाल जो है वो कर लिया है बच्चे कुछ आंसर में कमेंट्स में मतलब आंसर भी दे रहे हैं तो अभी चेक कर लेते हैं कि स्पीड जो है यही है वो है तो ये पूरा हमारे पास तरीका था क्या करना है आपको सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो एक्स मानो ठीक है उसके बाद जो दे दे रखा था वो हमने लिख लिया अब स्ट्रीम में बोट ऊपर आएगी पानी उसको नीचे बहाएगा स्पीड माइनस रहेगी तो अट्ठारह माइनस एक्स आप इस डाउन स्ट्रीम में दोनों चीज़ें नीचे बह रही हैं साथ में बह रही हैं स्पीड जुड़ जाएगी अट्ठारह प्लस एक्स एक बार में ये टाइम लगा एक बार में ये टाइम लगा दोनों के टाइम के बीच में एक घंटे का फर्क है यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने इक्वल टू वन कर दिया ऐसा करने से आपको मिल जाएगी एक इक्वेशन और फिर आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है देखिए लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स स्पीड ऑफ बोट इन अपर स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टाइम टेकन ठीक है एक बार इतना टाइम लगा एक बार इतना टाइम लगा तो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों टाइम के बीच में एक का फर्क है हमने यहां पर सॉल्व करा ए प्लस भी माइनस भी हो रहा था फॉर्मूला लगाया एलसीएम लिया इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इक्वल टू वन क्रॉस मल्टीप्लाई करी इससे ये पूरा उड़ गया सब कुछ काट पीट के ये आपकी इक्वेशन बन गई इक्वेशन बन गई इक्वेशन का फैक्टर कर लिया चौवन और छः फैक्टर आते हैं बीच में अड़तालीस आ रहा था सॉल्व करके आंसर में दो आए एक माइनस चौवन आया एक छः आया माइनस चौवन माइनस में स्पीड नहीं हो सकती नेगलेक्ट कर दिया एक्स इज इक्वल टू सिक्स वेरी गुड जो बच्चे छः आंसर दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है तो भैया छः आंसर आएगा तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो छः तो आप लिखेंगे एंड में स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू सिक्स किलोमीटर पर आवर ठीक है ये चीज आप मेंशन करेंगे जो पूछा है अब एक चीज और एक सवाल हो रहे है इधर यहाँ पर पाइप वाला ठीक है जी ये भी बड़ा तगड़ा सवाल है ये मैंने यहाँ पर लिख के बता रखा है आपको पाइप वाला सवाल क्या है कि दो पानी की टंकी दो पानी के पाइप दो बाट वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने घंटे दो पानी के पाइप इतने घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं ठीक है जी दोनों का जो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया गया है कि एक का मुँह दूसरे से बड़ा है कितना बड़ा है जिसका मुँह बड़ा है वो जो है वो दस घंटे कम लेता है क्योंकि मुँह बड़ा है उसका तो ज़्यादा पानी बहेगा ज़्यादा बहेगा तो टाइम कम लेगा इस तरीके से वो दस घंटे कम ले है छोटे वाली पाइप से तो टाइम टाइम बताओ कितनी देर में वो अलग अलग टंकी को भरेंगे कितनी देर में वो तो टाइम निकालने थे, तो हमने क्या करा जो है वो मान लिया हमने स्मॉलर पाइप जो है एक्स ले रहा है तो बड़ा वाला एक्स माइनस टेन लेगा ठीक है क्योंकि उससे दस घंटे वो कम ले रहा है जल्दी भर देता है स्मॉल पाइप फिल टैंक इन बनावर हमने एक एक घंटे का टाइम निकाल लिया अब एक यहां पर समझने की आपको ये बात है कि टाइम और वर्क दो चीज़ें हैं यहाँ पर टाइम और वर्क जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों टाइम और वर्क टाइम और वर्क जो होता है ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ठीक है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं टाइम और वर्क टाइम जितना ज़्यादा लोगे ठीक है ऐसे समझ लो टाइम जितना ज़्यादा काम उतना कम मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं एंटी चलते हैं ये कैसे समझाता हूँ टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप अब यहाँ पर जो छोटा पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है एक्स टाइम ले रहा है तो काम कितना करेगा वो एक घंटे में वन बाय एक्स तो ऐसे ही हमने इसका भी उल्टा कर दिया इसका भी उल्टा कर दिया ये इन दोनों का काम आ गया क्योंकि टाइम इन वर्क उल्टे होते हैं ऐसे आपको ध्यान रखना है अब ये दोनों का टाइम आ गया अब टाइम आ गया ये दोनों का वो आ गया काम आ गया ये टाइम आ गया कि इतने इतने घंटे में ये काम कर रहे हैं किस किस तरीके से तो इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली कि दोनों मिल अगर पानी की टंकी भरते हैं तो इतने घंटे वो लेते हैं इसको हमने राउंड फिगर में वैसे कर लिया और इसका उल्टा कर लिया टाइम निकालने के लिए काम निकालने के लिए काम और टाइम उल्टे होते हैं इस वजह से इक्वेशन बना के इसको भी सॉल्व कर लिया यहाँ पर दोनों के आंसर आ गए वैसे ये ओवर में था ऑप्शन में था लेकिन फिर भी मैंने आपको सोल्यूशन दिया क्योंकि मोटर बोर्ड वाला आपको करना आना ही चाहिए लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ है तो यहां पर मैंने दोनों ही क्वेश्चन कर लिए लिए हैं आपके इसकी मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर, जरूर 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 एक बार देख लेना कि कैसे करा है स्पेशली ये वाला बोर्ड वाला इंपॉर्टेंट सवाल है आ सकता है परसों आपके पेपर में ठीक है चलिए जी अगला सवाल करते हैं फाइंड द मीन लेंथ ठीक है मीन निकालना है आपको अब मीन निकालना है आपको तो बहुत आसान है आपके लिए मीन निकालना तो है ना सिगमा एफ़क्स अपॉन सिग्मा एफ़ एफ आप कर देंगे आराम से मीन निकल के आ जाएगा लेकिन लेकिन क्या लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि ये जो तो टाइम इंटरवल है ना क्लास इंटरवल ये बराबर नहीं है आपने नज़र मारी ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो आपको इसको पहले बराबर करना पड़ेगा वैसे वही ये एक सौ छब्बीस पर ख़त्म होकर सत्ताईस पर शुरू हो रहा है तो इसको आप आधा बढ़ाओगे और इसको आप आधा कम करोगे इस तरीके से फिर इसको आप आधा बढ़ाओगे इसको आप आधा कम करोगे इस तरीके से तो ऐसे आप करोगे तो टाइम टाइम इंटरवल बराबर आएगा फिर इसकी आप क्लास इंटरवल निकालोगे इनके जोड़ के इसका आधा करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा फिर पॉइंट में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी बहुत सारी तो पॉइंट में आप फंस जाओगे ठीक है पॉइंट में फंसे रह जाओगे तो उसको फंसने के लिए ना आप क्या करें आप इसको निकालें एज्यूम मीन मेथड से ठीक है जी एज्यूम मीन मेथड थोड़ा आसान होता है कैलकुलेशन उसमें कम होती है तो उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इसका सी निकालेंगे यहाँ पर आप निकालेंगे इसका क्लास इंटरवल ठीक है तो एक तो ये पॉइंट में निकल के आएगा इन दोनों के बीच का अगर आप निकालेंगे ये साढ़े सत्रह पॉइंट पाँच हो जाएगा ठीक है इसका बीच का आप आएगा पॉइंट सब ये पॉइंट में आएंगे आपके ठीक है मतलब पॉइंट में नहीं आएंगे तो आपके नंबर आएंगे फिर वो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपके ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो बेहतर तरीका क्या है बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करें आप जो है एज्यूम मीन से इसको ट्राई करें एज्यूम मीन से मैंने यहाँ पर करके आपको दिखा रखा है देखो कितना आसान सवाल हो गया बहुत ही कैलकुलेशन सारी की के सारी कैलकुलेशन हमारी बच गई कैसे बच गई दिखाता हूँ आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल हमने बना लिया नॉर्मल पॉइंट वाला ठीक है सत्रह पॉइंट पाँच छब्बीस ही हमने बना लिया अब यहाँ पे करने के बाद इसका हमने ये मिड निकाल लिया मिड एक्स आपका वही जो आप जिसको एक्स आई बोल देते हो इनको जोड़ के इनका आधा तो एक सौ बाईस आगे एक सौ इकतीस एक सौ चालीस एक सौ नोनों का फर्क आ रहा था तो हम नोनों जो है वो बढ़ाते चले गए चलो अगर ये निकाल लेते अब इसकी मल्टीप्लाई हम इनसे कर देते ये भी अब आपका एक तरीका है कि आप एफ़ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से कर लो और मल्टीप्लाई करके आप जोड़ लो तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे ठीक है बारह की एक सौ उनचास में नौ की एक सौ चालीस में चार की एक सौ सड़सठ में टेढ़े मेढ़े नंबर हैं गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर ट्राई किया एज्यूम मीन मेथड एज्यूम मीन मेथड क्या होता है हमने बीच वाली क्लास को एक क्लास मीन क्लास माना यहाँ पर से हमने इसका एज्यूम मीन जो है वो मान लिया कि इसके बीच का जो होगा मतलब यहाँ पर जो एक आया है ये वाला ये हमने इसको एज्यूम मीन मान लिया कि ये मीन हो सकता है इससे थोड़ा बहुत कम बढ़ती होगा तो हमने इसको ए मान लिया एज्यूम मीन अब इसके लिए हमें d चाहिए होता है d हमारा कैसे निकलता है x माइनस ए से मतलब जो हमारा ये x आई है इसमें से a माइनस करो तो एक सौ उनचास में से एक सौ बाईस माइनस हुए माइनस का सत्ताईस आया क्योंकि एक सौ उनचास जो है वो बड़ा है ठीक है जब ये बाद में बड़ा नंबर बाद में आएगा ना तो माइनस का आएगा आंसर इसमें से माइनस किया आप देखिए सारे माइनस नहीं करने क्योंकि हमें गैप देखना है गैप हमें पता है नौ नौ का चल रहा है तो नौ नो कम करते चले जाओ तो नो का पहाड़ा यहाँ पे चल जाएगा सत्ताईस अट्ठारह नौ जीरो नौ अट्ठारह सत्ताईस नौ का पहाड़ा उल्टी तरफ से चलता चला गया तो इसमें से आला कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ी बस आपने देखा नो का डिफरेंस है भैया नो नो कम होते चले जाएंगे ये हमने कर दिए ऊपर के माइनस के थे नीचे पॉजिटिव में आ गए अब यहाँ पर एफ डी निकालना है तो डी आपके पास ये है और एफ आपके पास ये है तो तीन सत्ताइस सत्ताईस यहाँ इक्यासी होते हैं ठीक है जी यहाँ पे अट्ठारह पंजे नब्बे होते हैं नो नीम इक्यासी होते हैं देखा आपने कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई तो इसीलिए एज्यूमेड मैंने लिया वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी थी छोटी हो गई ठीक है जी बारह जीरो जीरो होते हैं म पैंतालीस होते हैं कितनी आसान हो गई ठीक है जी चार अट्ठारह बहत्तर होते हैं अठारह चौक बहत्तर सत्ताईस यूनि चौवन होते हैं अब इनको सबको जोड़ लिया मैंने प्लस वालों को माइनस वालों को काट पीट के सब इनका माइनस का इक्यासी आ गया तो एज्यूमीन का फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ डी अपॉन डी और एज्यूम मीन अलग से लिख देते हैं तो एज्यूम मीन हमने एक माना था एक प्लस माइनस का इक्यासी बटा चालीस जो नीचे यहाँ पे लिखना था इसको काट के अलग से लिख दिया टू आ गया इसको माइनस कर दिया एक में से तो एक एवरेज लेंथ ऑफ द लीव्स आ गई तो एज्यूम एज्यूम मेथड से ये आसान था करना ठीक है इसीलिए आप ट्राई कर लेना अगर सवाल में आपको दिख रहा हो कि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी बड़ी करनी पड़ जाएंगी ठीक है ये अगर बड़े बड़े नंबर से इसमें आप गलती कर सकते हो मल्टीप्लाई में तो एज्यूम एज्यूमिन लगाओ कैलकुलेशन छोटी कर दो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा तो ये चीज आप जो है वो ट्राई कर लेना ठीक है एक बार इसको आप नजर मान लो कि कैसे कैसे इसमें चीजें जो है वो हो रखी हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर ए बेटर शॉर्ट ट्रिक सब में नहीं लग सकती शॉर्ट ट्रिक जो लग सकती है ना वो आपकी सिर्फ एम सी क्यू में लग सकती है क्योंकि इसमें आपको आंसर लाने के नंबर नहीं मिलेंगे इसमें आपको जो नंबर मिलेंगे ना वो इस चीज़ को दिखाने के मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है तो यहाँ पर आपको ये दिखाने के ही तो नंबर हैं स्टेप बाई स्टेप हाँ शॉर्ट ट्रिक आपकी लगेगी उसके अंदर एम सी क्यू वाले जो हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको ऑप्शन लिखने के आंसर मिलेगा ऑप्शन बी सही है तो बी लिख दो सी सही है तो सी लिख दो तो वहाँ तो हम आंसर कैसे भी ला सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से लेकिन यहाँ पर आपको इसी इसके नंबर मिलेंगे जो यहां पर मैंने आपको दिखा रहा हूं तो यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखो समझे शॉर्ट ट्रिक आप वहाँ यूज़ करेंगे उसके लिए मैं बताऊँगा आप एमसीक्यू भी करेंगे आज के लाइव में भी लेकिन ये पहले समझो ये चीज़ ज़रूरी है पाँच नंबर ऐसे ही नहीं चलेगा कोई आपको एग्जाम ये लिखा हुआ देखेगा सही करा होगा आपने तो आपको नंबर मिलेंगे समझ में आई बात ये सवाल इम्पॉर्टेंट है आप देख लो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं फिर अगला सवाल मैं दिखाई देता हूँ आपको हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है अगला और तीन नंबर का सवाल है अच्छा ये वाला कितने का था हमारा ये पाँच नंबर का था अच्छा ये तीन नंबर का था ठीक है तो हमारे तीन तीन नंबर वाले सवाल शुरू हो गए मतलब हमने केस बेस कर लिया और हमने लॉन्ग आंसर कर लिए तो लॉन्ग आंसर पच्चीस नंबर के होगा गए केस बेस बारह नंबर के हो गए हमने ऑलमोस्ट आधा सवाल जो है आधा पेपर जो है वो पूरा निपटा लिया है ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ वन प्लस साइन स्क्वायेर थीटा बराबर है थ्री साइन थीटा को थीटा के तो आपको प्रूफ करना है कि तेन थीटा बराबर या तो वन है या वन एन वन बाई टू है ये आपको प्रूफ करना है अभी देखते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर बहुत दिक्कत होती है प्रूफ करने वाले सवाल की कैसे तो शुरुआत करें ये समझ में नहीं आता हेलो डियर सर हाई एन वी हाई द्रूव अब कैसे प्रूफ कराया जाता है वो मैं आपको बता रहा अभी ठीक है थोड़ा सा गला गीला कर लूँ मतलब पानी पी लूँ पेपर कल लीक हो जाएगा टेंशन मतलब कल ऐसे ऐसे सवाल लेके आ रहा हूँ बस समझ लो रखे हुए हैं आपके लिए हम्म हाय दिनेश रजनीता दिनेश अनुराग अर्जुन बिष्ट मोहित नीतू सागर सभी देख रहे हैं अच्छी बात है देखो चलो समझते हैं अब सवाल अगला अब देखिए क्या करना है हमें पेन कहाँ गया हमारा ये रहा हमें लाना है क्या लाना है हमें हमें लाना है टेन थीटा वन आई या आधा आए मतलब हमें इस सवाल में जो हमारा सवाल है ऊपर ये साइन स्क्वेयर साइन थीटा को थीटा हमें इसमें टेन लाना है अब ट्रिग्नोमेट्री सवालों की शुरुआत कैसे करी जाती है शुरुआत सीखो ये शुरुआत आपको हर कोई नहीं बताता कैसे करनी है क्या करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ ये शुरुआत आप सीखोगे जरूरी है आपके लिए देखो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपके कभी भी क्या परसों आएगा परसों आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा पेपर में कैसे शुरुआत करोगे सीखो शुरुआत ये करना आप देखना सबसे पहले आपको दिया क्या गया है और आपको लाना क्या है मैंने देखा मुझे दिया गया है साइन और कोस और मुझे लाना है टेन अब साइन से मैं टेन कैसे ला सकता हूं यह मुझे सोचना है तो अगर मैं साइन थीटा के नीचे कोस थीटा कर दूँ, मतलब कोस से इसको डिवाइड कर दूं ठीक है कोस नीचे आएगा जब भी तो साइन थीटा बाय थीटा मेरा टेन थीटा बनेगा ठीक है जी थी? जब तो बनेगा तो अगर मैं कोस से नीचे डिवाइड करूं तो मेरा साइन थीटा और कोच थीटा मिलके मतलब साइन बाय थीटा मिलके टेन थीटा बनता है तो मुझे सवाल को शुरुआत करने की ट्रिक पता चल गई मुझे आइडिया पता चल गया कि कैसे मुझे सवाल को शुरू करना है यही चीज़ आप करना आप देखना आपके पास है क्या और आपको लाना क्या है जो लाना है वो कैसे ला सकता हूँ या वो लाने के लिए मुझे क्या चाहिए जो चाहिए वो करो वहाँ से सवाल की शुरुआत करो अब शुरुआत मिल गई मुझे तो मैं क्या करूँगा मैं डिवाइड बाय थीटा करूंगा क्या कर दूंगा डिवाइड बाय कोस थीटा ऐसा एक तरीका है कि मैं सवाल की शुरुआत कर सकता हूं और भी तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने के कई तरीके होते हैं एक तरीका मैंने यहां पर चूज कर लिया तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने डिवाइड कर दिया कोस थीटा से ठीक है जी कोस थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया और इधर क्या है हमारे पास थ्री साइन थीटा थ्री साइन थीटा और कोस थीटा ये हमारे पास इधर था इधर भी मैंने कोस थीटा से इसको डिवाइड कर दिया अब एक दिक्कत और आ रही है दिक्कत क्या आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे कोस थीटा है तो नीचे भी मुझे कोस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा जब भी तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा कोस से ना करके मैं कोस स्क्वायर से कर दूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब ऐसा करने से क्या हुआ वन के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन के नीचे भी कोस स्क्वायेर थीटा आ जाएगा और साइन स्क्वायर के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये लीजिए जी और इधर हमारे पास थ्री साइन थीटा चल रहा है और कोस थीटा चल रहा है और नीचे इसके भी कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है अब ऐसा करने से क्या हुआ वन प्लस वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाता है आप पोल डालना एक बार आवाज़ का पूछना क्या आ रहा है मैं अपने फ़ोन में चेक कर लूँ ठीक हो गया ठीक आ गया आ गया हाँ ठीक है बच्चों आ गया आई थिंक अब आ गया आ गया ना ठीक है बच्चों आ गया आई थिंक अब आ गया, आ गया। कर दिया ठीक है हो गया, गया हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम नेट में कोई दिक्कत नहीं है तो हम इस सवाल के ऊपर थे ठीक है इसका सॉल्यूशन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है समझा मैंने आपको दिया कि हमें देखना है कि क्या चीज़ हमें दे रखी है और हमें लाना क्या है हमें साइन कोस दिया था हमें टेन लाना था तो टेन कब आएगा जब हम साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते तो कोस स्क्वायर से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जब डिवाइड कर दिया तो साइन बाय कोस टेन बन गया यहाँ पर कोस से कोस खत्म हो गया यहाँ पर भी साइन बाय कोस टेन बन गया सब कुछ हमारा टेन में हो गया और हमें टेन में ही तो लाना था ऐसे हमने इसको कर लिया है अब देखो सॉल्यूशन बड़ा मजेदार है यहां पर नजर मारो ठीक है ये सारे स्टेप मैंने आपको दिखा दी थी ये आपका सेक बन जाएगा ये टेन थ्री का थ्री हो गया तो यहां पर आपके पास क्या है सेक को हम लिख सकते हैं का पिलस का टेन थिण का अब अब क्या ये जो तो थ्री टेन थीटा है इसको भी मैं उधर लेकर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री टेन थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर हो होगा दो टेन स्क्वायर थीटा तो जब मैं तीन टेन स्क्वायर थीटा में से ठीक है अच्छा ये खाली टेन थीटा ठीक है ठीके? तो वन का वन है अब क्या कर सकता हूँ अब मैं ये कर सकता हूँ कि इनको थोड़ा आगे पीछे करके लिखता हूँ स्क्वायर वाला मैंने सबसे पहले लिखा स्क्वायर वाला मैंने सबसे पहले लिखा उसके बाद भी ना स्क्वायर वाला माइनस थ्री टेन थीटा प्लस वन अगर मैं टेन थीटा की जगह एक्स लिख रख दूँ इसमें तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्वायेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ये एक छोटी छोटी सी इक्वेशन बन गई अब इक्वेशन के फैक्टर करके मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ से फैक्टर कर लिए थ्री के माइनस थ्री एक्स के माइनस टू एक्स और माइनस एक्स और यहाँ से वही दो वैल्यू निकल के आ गई एक आपकी एक्स वन आ गई और एक आपकी एक्स ये आ गई वन बाई टू और x हमने माना किस को था x हमने माना था tan थीटा को तो भैया tan थीटा की वैल्यू आ गई वन और वन बाय टू यही हमें प्रूफ करना था कि tan थीटा की वैल्यू या तो वन आए या वन बाय टू आए बहुत प्यारा सवाल था बहुत अच्छा सवाल था हमने सॉल्व कर लिया और उसके बाद आंसर लेकर आ गए तो आपको भी ऐसे लिखना है एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने लिखा है इसमें कोई स्टेप आप प्लीज़ मिस मत करना आपको ऐसे का ऐसे ही लिख के आना है और आपको इसी चीज़ के जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं क्या करा है हमने सबसे पहले प्रूफ वाले सवाल में देखना कि आपको क्या दे रखा है और आपको क्या लाना है समझे पहली बात क्या क्या दे रखा है क्या लाना है हमें साइन स्क्वायर दे रखा था हमें टेन लाना था तो साइन स्क्वायर टेन कैसे बनेगा कि जब हम उसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है तो हमने यही करा डिवाइड बोध साइड बाय कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड कर दिया है दोनों ही साइड इसको डिवाइड करा इसको डिवाइड करा इसको भी डिवाइड करा सा वन बाय कोस सेक्वेयर होता है यहाँ पर यह आपका आ गया ठीक है जी ये टेन बन गया और क्या दे रखा है थर्टी डिग्री का एंगल बन रहा है अंदर कोट से कोर्ट ए बी मैक्सिम एंगल और थर्टी डिग्री रेडियस तो ये तो जो अंदर छोटा सा एंगल बन रहा है ना ये कोर्ट और रेडियस के बीच में ये एंगल थर्टी डिग्री का बन रहा है कितने डिग्री का थर्टी डिग्री का बन रहा है और हमें यह पता है कि टेंजेंट पूरा नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है टेंजेंट पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस से त्रिज्या से स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है हिंदी वालों समझ में आया अब पूरा है ये 90 डिग्री और अंदर अंदर का इतना है ये थर्टी डिग्री तो भैया बाहर बाहर का कितना बचा सिक्सटी डिग्री तो इसका मतलब ये जो बाहर बाहर का एंगल है ये और इतना एंगल है ये कितना है ये साठ डिग्री का है अब बात समझो बात क्या समझो बात ये समझो कि भैया ये सात डिग्री है और ये साइड ही साइड के बराबर है क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं दोनों टेंजेंट हैं तो जब दोनों टेंजेंट होंगी तो इनके सामने के एंगल बराबर होंगे तो ये भी बराबर तीनों एंगल बराबर अब इसका मतलब ये है कि हमें साइड दे रखी है क्या हमें लेंथ दे रखी है कोड की अगर ये कोड हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का है तो इट मींस ये साइड भी 6 सेंटीमीटर की हो गई तो ये साइड भी 6 सेंटीमीटर की हो गई दोनों टेंजेंट दोनों स्पर्श रेखाएं भी 6 सेंटीमीटर की हो गई ये हमने यहाँ से पता लगा लिया सिर्फ फिगर को देख कर ही इतनी बात समझ में आ गई इफ़ लेंथ ऑफ द कोड इज़ सिक्स सेंटीमीटर का नाइन्टी डिग्री का है तो ये बाहर बाहर वाला जो है ये आपका सिक्सटी डिग्री का हो गया ठीक है दोनों टेंजेंट हैं जो गिवन था वो लिखा है इसके भी नंबर आपको मिल जाते हैं ये हो गया फिर एंगल पी ए भी बराबर एंगल पी बी ए होगा एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों जो है वो टेंजेंट के आमने सामने के एंगल हैं जो कि बराबर होते हैं तो इस तरीके से मैंने ये वाला एंगल भी निकाल लिया पूरा ए पी भी ठीक है ये भी मैंने निकाल लिया है यहां पर अब अब क्या करना है अब इधर आ जाओ अब यहां पर हमें पता है कि भैया जब ये तीनों साइड तीनों एंगल बराबर आ गए इसके तो तीनों साइड बराबर होंगी ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड ये, ये छह सेंटीमीटर तो ये भी छे होगी ये भी छे होगी अब यहां पर इस ट्राइंगल को देखो इसके अंदर ये सिक्स क्या हुआ दोबारा ले फ्लोर टूट जाएगा हमारा ये सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे एंगल होगा थर्टी एक बार कमेंट करके बता दो आप आपको ऑडियो वीडियो सब ठीक आ रही है मैं भी अपने फ़ोन में चेक कर लेता हूँ आई थिंक दोबारा से लेक हो गया आज नेटवर्क स्लो आ रहे हैं क्या हमारे चेक कर लेता हूँ सही तो चल रहा है दोबारा से लेक हो गया आज नेटवर्क स्लो आ रहे हैं हमारे सही आ रहा है सही आ रहा है सब ठीक है ठीक तो है ठीक है चलो जी कंटिन्यू करते हैं ठीक है आप ठीक हो गया मैंने चेक कर लिया अपने फ़ोन में भी और हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो थोड़ा सा तो इसलिए भी कई बार जो है हो जाता है ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सी की तरफ से लिए गए क्वेश्चन है मतलब ये क्वेश्चन सी ने जो सैंपल पेपर लॉन्च किया था ये वो वाले क्वेश्चन हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था सी ने जो सैंपल पेपर लॉन्च किए थे उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे तो इस साल भी बहुत चांसेज है कि एज इट इज उठ के आएंगे तो ये मैंने किसी बुक से नहीं लिया है ये मैंने लिया है सैम्पल पेपर जो कि सी सी ने दिए थे उसके अंदर से तो ये मैं आपको समझा रहा था कि जब इस ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइएंगल के अंदर तीनों साइड बराबर आ गए तीनों एंगल बराबर आ गए तो ये ट्राइंगल एक, एक ट्राइंगल हो गया ये साइड हमें दे रखी थी सिक्स सेंटीमीटर की ये छे है तो ये वाली साइड भी सिक्स सेंटीमीटर की आ जाएगी ए अब हमें निकालना है ये छोटा सा एंगल ये वाला इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम इस ट्राइंगल के अंदर क्या करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर लगाएंगे पाइथागोरस वो पाइथागोरस पाइथोरस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे कैसे यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर सिक्स हमें एक साइड इसकी पता है यहाँ पर एंगल थर्टी डिग्री का हमें पता है तो एंगल थर्टी डिग्री यूज़ करके ये पता है हमें रेडियस पता करनी है रेडियस हमारी पता चल जाएगी यहाँ से तो रेडियस कैसे पता चल जाएगी पी और बी का यूज़ कर लो परपेंडिकुलर और बेस का जो मैंने यहाँ पर करा है टेन थर्टी पी और बी पी क्या है पी हमारे पास इसका परपेंडिकुलर ये है जो कि हमारी रेडियस है बेस क्या है बेस हमारे पास टेंजेंट है एपी या पीए जिसको नाम दिया है थर्टी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री होती है ओ की जगह ओ रखा क्योंकि ओ हमें निकालना है रेडियस ये वाली निकालनी थी हमें और ये हमें पता है सिक्स सेंटीमीटर का है तो ओ की जगह ओ ए की जगह सिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करी मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ गए रूट नीचे आ रहा था तो रूट हमने रैशनलाइज कर दिया रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ से इसका रूट हड़के तीन बचेगा वो तीन छः को डिवाइड कर देगा दो बार तो ओ बराबर आ जाएगा टू रूट थ्री सेंटीमीटर मतलब रेडियस जो ओ है वो कितनी आ गई टू रूट थ्री सेंटीमीटर आ गई ऐसे आपको ये सवाल जो है करना था ठीक है चलिए जी आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लेते हैं फटाफट से यह भी अच्छा सवाल है अब आपका ये सवाल आ गया किसके अंदर से ये सवाल है आपका उसमें से वर्ड प्रॉब्लम आपकी एक है ठीक है वर्ड प्रॉब्लम है देख लो ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे फंस जाते हैं तो भैया ना फंसना यह सवाल सवाल देखो द सम ऑफ टू डिजिट दो डिजिट है एक नंबर के दो डिजिट हैं जैसे कोई नंबर होता है यहां पर मैंने कोई नंबर लिया मान लो मैंने लिया तेईस तो इसका एक अंक ये है एक अंक ये है ये दो सिक्सटी सिक्स अब ये कोई नंबर है तेईस हमने इसका उल्टा कर दिया बत्तीस ठीक है ये इसका उल्टा हो गया बत्तीस तो उल्टा करने पर जब जो इनको जोड़ेंगे तो छियासठ मिलता है तो ये नंबर ऐसा कोई एक नंबर है कि अगर हम उसके डिजिट को अदला बदल कर दें मतलब उसके अंकों को आगे पीछे कर दें तो उसको हम फिर जोड़ें तो जोड़ के हमें क्या मिलता है सिक्सटी सिक्स मिलता है और उन डिजिट के बीच दो का फर्क है मतलब दो का फर्क है मतलब एक अगर छः है तो दूसरा चार है ऐसे समझ लो तो छियालीस और चौंसठ वो हो सकते हैं इस तरीके से समझ लो क्यों उनके बीच में दो का डिफरेंस है और अगर हम लोग उनको अलट पलट करके जोड़ते हैं तो जोड़ के छियासठ आना चाहिए तो कौन सा वो नंबर है हमें ये बताना है तो वो ये नंबर हमें पता नहीं है तो नंबर को ही हम मान लेंगे तो लेट द नंबर अब नंबर को आप कैसे मानेंगे देखिए उसका भी एक खेल है खेल क्या है बताता हूं नंबर में दो अंक हैं एक और एक दो दो अंकों का टू डिजिट का नंबर है ठीक है टू डिजिट का नंबर है तो दो अंक होंगे अब पहला जो ये अंक होता है ये होता है इकाई का अंक इकाई का अंक मतलब ये होता है यूनिट डिजिट ये होता है आपका यूनिट डिजिट ठीक है और ये होता है आपका टेंस डिजिट दहाई का अंक जिसको आप हिंदी में दहाई बोलते हो इकाई दहाई से एकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब वाला चीज यूनिट डिजिट आपका इकाई अब इकाई का मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई होती है वन से और टेंस का मतलब होता है दहाई मतलब इसकी मल्टीप्लाई होती है दस से तो जब जाके कोई नंबर बनता है मान लो एक नंबर लिखा हुआ है मैंने बयालीस तो बयालीस कैसे बनाए बयालीस बना है चालीस जमा दो बयालीस ठीक है बयालीस और चालीस कैसे बनाए चार इंटू दो दस ठीक है इस तरह से क्योंकि दहाई की जगह पर है और दो बना है दो एकम दो इस तरीके से क्योंकि ये इकाई की अंक पर है तो इकाई वाले की एक से गुणा होती है और दहाई वाले की दस से गुणा होती है जब जाके कोई नंबर बनता है ये बात समझ में आई तो ऐसे ही हमें नंबर को भी चूज करना पड़ेगा उसके इकाई अंक को अलग और दहाई अंक को अलग तो हम वही मानेंगे यहाँ पर तो हम मानेंगे क्या हम मानेंगे लेट द लेट द फर्स्ट डिजिट या ठीक है यूनिट डिजिट आप बोल सकते हो लेट द फर्स्ट डिजिट आप उसके फर्स्ट डिजिट को मान लो और उसके टेंस डिजिट को मान लो इसको आप एक्स या वाई कुछ भी मान लो वाई मान लो और जो इसकी टेंस डिजिट होगी जो इसका दहाई का अंक होगा उसको आप एक्स मान लो टेंस डिजिट ठीक है उसको आप जो है वो x मान लीजिए अब नंबर कैसे बनेगा नंबर मैंने आपको भी बनाना सिखाया नंबर कैसे बनेगा x प्लस वाई मतलब टेन में जो है आपका x टेन जुड़ेगा टेंस वाला जो हमने इसको दस दहाई के अंक को एक्स माने ना तो उसमें हम दस से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ठीक है और इसमें हम वन से करेंगे तो वन से करने की जरूरत नहीं पड़ती वाई कम वाई होगा तो ऐसे वो नंबर बनेगा ठीक है ऐसे नंबर बनेगा अब इसको हमें रिवर्स भी करना है अब जब हम इसको रिवर्स कर देंगे हमें कहा गया है ना रिवर्सिंग रिवर्स करो तो रिवर्स करने पे क्या होगा टेन के साथ वाई आ जाएगा और एक्स उधर चला जाएगा ये आ गई उसकी रिवर्स करने की कंडीशन किसकी कंडीशन रिवर्स की कंडीशन तो ये नंबर है ये उसको रिवर्स करके लिखा है हमसे कहा गया है कि दस सम उनका सम मतलब रिवर्स का और नॉर्मल का जोड़ जो है वो छियासठ बनता है तो इन दोनों को आप जोड़ दो सिंपल सी बात है इनको आप एक साथ लिख दो टेन एक्स प्लस वाई और प्लस में टेन वाई प्लस एक्स ये आपने एक साथ लिख दिया तो इनको एक साथ लिख के छियासठ मिलता है अब टेन एक्स और एक एक्स ये कितना हो गया आपका 11x एक्स टेन वाई और एक वाई आपका हो गया एलेवन वाई बराबर छियासठ ग्यारह कॉमन दिख रहा है ग्यारह कॉमन ले लो बाहर तो एक्स प्लस वाई बराबर छियासठ हो जाएगा ग्यारह से छियासठ छः बार कट जाएगा तो ग्यारह छिंग छियासठ होते हैं तो एक्स प्लस वाई जो है वो आपका कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा मतलब दोनों को जोड़कर नंबरों को जोड़कर हमें छः मिलता है ऐसे आपको एक इक्वेशन आपकी बन गई अब दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे उनके बीच का फ़र्क जो है वो दो है मतलब x माइनस वाई दो है या वाई माइनस एक्स दो है हमें ये नहीं पता ना कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई अब एक इक्वेशन आपकी इन दोनों में से एक बन गई तो इन दोनों में से कोई सी भी एक के साथ ये इक्वेशन आप रख दीजिए जो आपने भी बनाई है छः वाली इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा ये टू हो जाएगा ये आपका छः और दो आठ हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी चार तो x आपका फ़ोर निकल के आ गया जब x फोर आ गया तो दूसरा आप आराम से निकाल लेंगे यहाँ से देखिए फोर आ जाएगा यहाँ से तो x की वैल्यू y की वैल्यू जो है आपकी वो टू आ जाएगी तो इस तरीके से आपके दोनों नंबर मिल जाएंगे तो चार और दो में चार और दो में दो का फ़र्क है हाँ जी दो का फ़र्क है और चार और दो से क्या बन सकता है चौबीस बन सकता है और बयालीस बन सकता है और चौबीस और बयालीस को जब हम जोड़ेंगे तो हमें छियासठ भी मिल रहा है इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि भैया नंबर क्या हो सकता है या तो चौबीस होगा या बयालीस होगा क्योंकि इनके डिजिट को जब हम अलट पलट करेंगे तो हमें छियालीस मिल रहा है और इनके बीच का जो फ़र्क है वो फ़र्क हमारे पास दो का दो का फ़र्क है और हमें छियासठ भी मिल रहा है तो यस हमारा आंसर सही है चौबीस और बयालीस लेकिन अगर आप ऐसे लिख के ना मेरी तरह तो भैया एग्जाम काट ही देगा पूरा सवाल ठीक है कुछ भी नंबर नहीं देगा लिखने का तरीका क्या है सवाल समझा दिया मैंने अब लिखने का तरीका देखो तरीका यह है ऐसे आपको इसको लिखना है यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना है लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली कि मैंने माना टेंस और यूनिट डिजिट जो है वो एक्स और वाई हैं क्रमानुसार ठीक है तो नंबर क्या होगा नंबर होगा मेरा टेन एक्स प्लस वाई आफ्टर रिवर्सिंग उल्टा करने के बाद नंबर बन जाएगा टेन वाई प्लस एक्स देखिए इसका उल्टा ये हो गया यहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि उनका दोनों का जोड़ छियासठ है तो इनका दोनों का जोड़ छियासठ होगा गया सॉल्व कराए इक्वेशन आ गई अब उनका जो फर्क है वो दो है या तो ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है। मैंने ये माना था मैंने एक्स फोर निकल के आया दस चौक चालीस और दो बयालीस और चौबीस तो या तो बयालीस होगा या चौबीस होगा ऐसे आपको लिखना है ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे तो लिखने का फर्क आपको पता होना चाहिए ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए ठीक है टेढ़ा मेढ़ा सा लेकिन आपको लिखना है ऐसे तमीज़ से इस तमीज़ के आपको इस तमीज़ के और इस इसके सीक्वेंस के आपको नंबर मिलेंगे ठीक है तो ऐसे आपको इसको लिखना है नोट कर लेना फटाफट से चाहो तो पी मिल जाएगी ले लेना आइए अगला आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है आपका दोबारा से पॉलिनोमियल के अंदर से चलो जी फटाफट से नजर मारते हैं क्या आपका सवाल है और क्या आपको इसके अंदर करना है ये भी अच्छा सवाल है स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है डायरेक्ट सवाल कोई सा भी पूछा नहीं गया आपसे तो सब ऐसे ही पूछे गए देखो सवाल है यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए पे नजर मारते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ठीक है जी अब देखो एक चीज हमें क्या बताना है अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं अब या तो आप इसके जीरो निकाल लो फ़ाइव एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस वन अब इसके जीरोज़ निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे फैक्टर करने के लिए बाहर बाहर वालों की गुणा पाँच एकम पाँच होती है पाँच के ऐसे टुकड़े के पाँच ही आ जाए भैया पाँच कैसे टुकड़े कर ही नहीं पाएंगे आप क्योंकि अगर आप दो तीन करेंगे तो दो तीन तो दो तो तो छः होते हैं पाँच और एक करेंगे पाँच एकम पाँच होता है लेकिन पाँच और एक से आपका पाँच नहीं आएगा चार आएगा छः आएगा तो यहाँ पर आपको फिर फैक्टर से नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा आप डिस्क्रिमिनेंट निकालने के चक्कर में बहुत लंबा सवाल हो जाएगा ऐसा नहीं करना है तो कैसे करना है बताता हूं आप ऑप्शन देखो ऑप्शन क्या है ये ऑप्शन है ठीक है कैसे मैं कर सकता हूं आप यहां पर इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लो सम ऑफ रूट समोने होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी अपोने होता है माइनस बी अपो होता है सी अपो होता है ठीक है चलो जी ए निकाल लेंगे ए क्या है यहां पर ए इस क्वेश्चन की अगर आप देखेंगे यहां पर इस इक्वेशन में हमारा जो ए है ए कितना है पांच है बी कितना है बी पाँच है और सी कितना है हमारे पास वन है ये हमारे पास ए बी सी निकल के आ गया अब देखो क्या मैं कर सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का टू बीटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऐसे क्यों लिख सकता हूं मैं इसको क्या ये कोई फॉर्मूला है जी हाँ ये एक फॉर्मूला से ही बना है देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी ऐसे ही तो खुलता है अगर मैं इसको ऐसे खोलूँगा ये मैंने खोल दिया और माइनस में मैं टू एल्फा बीटा लगाऊंगा तो इस प्लस का टू एल्फा बीटा माइनस के टू एल्फा बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ले देंगे मुझे क्या मिलेगा ये मिलेगा जो मेरा ये है तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अब मैंने ऐसा क्यों लिखा इसका रीज़न मेरे प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पर सम ऑफ रूट है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये तो मुझे पता है माइनस बी अपोने होता है और सी होने होता है तो यही चीज़ इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा तो यहाँ पर सम ऑफ रूट कर देंगे जो कि होता है आपका माइनस बी अपोने चाहो तो आप उसको अलग से निकाल सकते हैं ठीक है अलग से आप निकाल लोगे यहाँ पे ऐसे कर लो या इसी के अंदर रख दो सम्रूट ए माइनस बी अपोने होता है तो माइनस बी अपोने आप करेंगे तो माइनस बी तो माइनस बी बी क्या है आपका फाइव है प्लस का तो माइनस फाइव हो जाएगा तो माइनस का फाइव अपोन ए ए कितना है ए भी आपका पाँच है तो इसका आपको स्क्वायर करना है माइनस टू प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आपका सी अपोने होता है तो सी अपोने आपका कितना आएगा वन बाई फाइव आएगा अब इसको आप कर लो इससे एक कट जाएगा पाँच एक कम पाँच माइनस का वन बचेगा माइनस के वन का स्क्वायर वन ही आएगा और यहाँ पर दो बटा पाँच आएगा तो एक में से जब दो बटा पाँच माइनस करेंगे तो तीन बटा पाँच आ जाएगा तो सिंपल सवाल ऐसे था सोच का थोड़ा फ़र्क था अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होती तो आप घूम जाते कौन सी चीज़ ये वाली चीज़ तो ये चीज़ ध्यान रखना इसका ऑप्शन बी भी कुछ ऐसा ही है ऑप्शन बी आप लेकर आओ ट्राई करो फटाफट मैं समझा देता हूँ ए इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स अब इनवर्स का मतलब उल्टा होता है तो ये है कुछ वन अपॉन एल्फा और वन अपॉन बीटा अब इसको आप कैसे करोगे इसका आंसर फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कैसे आएगा इसका एलसीएम नीचे लिखेंगे एल्फा इंटू बीटा ऊपर आ जाएगा आपका एल्फा प्लस बीटा तो भैया ऊपर सम ऑफ रूट लिखो नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो फटाफट से आंसर लेकर आओ इसका मुझे कॉमेंट करके बताओ मैं आपके कॉमेंट्स ही देख रहा हूँ अभी इतने सेवन माइनस फाइव फाइव बाई टू थ्री बाई फाइव माइनस फाइव अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के माइनस फाइव ज़्यादा आ रहा है तो माइनस फाइव आई थिंक सही आंसर होगा फिर देखते हैं भी नज़र मार के सवाल समझा दिया मैंने आप देखो तरीका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका ये होना चाहिए तो माइनस फाइव जिनका है सही जवाब है ऐसे आपको लिखना है तमीज के साथ जैसे मैंने यहां पर लिखा है ठीक है उनको उल्टा करा वहां पे सम ऑफ फ्रूट माइनस वो आ गया मन और प्रोडक्ट फ्रूट वन बाय फाइव आ गया फाइव नीचे था तो वो ऊपर चला गया तो वो माइनस का फाइव हो गया ऑल राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब आप लोग ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा है क्वेश्चन है क्या पूरा अनसिन पैसेज है काफी लंबा सवाल है ठीक है पैसेज लग रहा है इंग्लिश का लेकिन ये मैथ्स का ही सवाल है और तीन नंबर का सवाल है देखो इसको पढ़ो समझो क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सवाल और अच्छे से दिख जाएगा देखो सवाल बहुत बड़ा है मतलब दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है अगर आपको समझ में आता है तो देखिए क्या क्या कहा गया है कुछ एक जगह पे ना बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं नेशनल आर्ट कॉन्वेंशन में जहाँ पर सिक्सटी बच्चे जो हैं साठ बच्चे जो हैं उनको संगीत पसंद है संगीत में उनका इंटरेस्ट है चौरासी बच्चे जो हैं 84 फोर बच्चे जो हैं उनका डांस में इंटरेस्ट है और एक सौ आठ बच्चे जो हैं उनका हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तकला में हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो हमें क्या करना है हमें क्या करना है विष्णु की मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट सेम आर्ट फॉर्म ठीक है हमें इस तरह से ग्रुप बनाने हैं ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज सेम हमें ऐसे ग्रुपिंग करनी है कैसे करनी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहें ना ग्रुप में सेम रहें इक्वल रहें कॉमन रहें मतलब सब में से चार चार के या पांच पांच के ऐसे ग्रुप बनाने कि सब ग्रुप में बराबर बच्चे आए तो चार चार आए या पांच पाँच आए या छे छे आए या सात आए तो कैसे बना सकते हैं तो बड़े नंबर के से हो रही है। तो क्या करना है, हमको? HCF निकालना, है। जी हाँ, Highest Common Factor निकालना है समझ में आई बात तो हमें क्या करना है जो जो नंबर है, है। क्या क्या नंबर है हमारे पास हमारे पास साठ है हमारे पास चौरासी है और हमारे पास एक सौ आठ है हमें इनका क्या निकालना है फैक्टर निकाल लेने हैं अब इनका फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो मतलब इन जो जिसके पहाड़ में ये तीनों आते हो सबसे पहले आते हो ऐसे समझ लो ठीक है जी तो अगर मैं देखूँ बारह पंजे साठ बारह सत्तर चौरासी बारह नब्बा एक सौ आठ हाँ बारह एक ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में मुझे ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी इससे बड़ा नंबर कोई सा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा तो बारह इनका जो है वो एस सी एफ आ गया मतलब हम बारह बारह के ग्रुप बना सकते हैं ठीक है तो सब बच्चे बराबर बटेंगे अब साठ बच्चे हैं तो बारह बारह के पाँच ग्रुप बन जाएंगे चौरासी बच्चे हैं बारह बारह के सात ग्रुप बन जाएंगे, एक सौ आठ बच्चे हैं बारह बारह के नौ ग्रुप बन जाएंगे, तो बराबर ग्रुप बनेंगे वो बराबर बच्चे इसके अंदर रहेंगे तो ऐसे हमको ग्रुपिंग कर लेनी है ये चीज़ हो जाएगी फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच ग्रुप हर एक ग्रुप में कितने कितने बच्चे आएंगे भैया इसमें म्यूजिक वाले हैं पाँच पाँच ग्रुप आ जाएंगे इसमें साथ इसमें आ जाएंगे आपके सात सात ग्रुप इसमें आ जाएंगे नौ नौ ग्रुप तो बारह बारह बच्चों के पाँच ग्रुप आप ले लेंगे ठीक है बारह पंजे साठ इस तरीके से ये हमने आंसर दे दिया फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म कितने कितने ग्रुप बनेंगे तो यही तो ग्रुप हमने यहाँ पे बता दिया भैया ये ग्रुप बनेंगे और हाँ मिले रूम्स आर रिक्वायर्ड तो हर एक ग्रुप को अगर एक कमरा मिले तो कितने रूम चाहिए भैया पाँच ग्रुप ये हैं सात ग्रुप ये हैं नौ ग्रुप ये हैं तो टोटल ग्रुप कितने हो गए आपके सात पाँच बारह और नौ इक्कीस तो इक्कीस ग्रुप हो गए इक्कीस ग्रुप को इक्कीस रूम चाहिए होंगे वेरी गुड जो बच्चे इक्कीस रूम जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी ऐसे हमें इसको कर लेना है बहुत आसान सवाल था दिखने में बड़ा था तरीका ये रहा अब तरीका देखो नंबर इस चीज़ के मिलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं उनका हमने एस सी एफ निकाला बारह 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 का ग्रुप हम बना सकते हैं बच्चों का अब नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक म्यूजिक में साठ बच्चे हैं बारह बारह का ग्रुप बनाएंगे पाँच ग्रुप बनेंगे नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस डांस में चौरासी बच्चे हैं बारह बारह बच्चों का ग्रुप बनाएंगे सात ग्रुप बनेंगे ठीक है नंबर ऑफ ग्रुप इन हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट में बारह बारह बच्चों का ग्रुप बनाएंगे एक सौ आठ बच्चे हैं नौ ग्रुप बनेंगे तो ये सारे ग्रुप बन गए पाँच सात और नौ अब टोटल नंबर ऑफ रूम कितने रहेंगे जितने ग्रुप हैं ग्रुप इक्कीस हैं तो इक्कीस कमरे चाहिए होंगे हर एक ग्रुप को प्रैक्टिस करने के लिए अलग रूम तो ये इसका आ गया है ठीक है अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से बिहार हो गया बढ़िया सवाल मज़ेदार सवाल ये आपका जो चैप्टर नंबर ट्वेल्व है ना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ठीक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल उसके अंदर से ये सवाल लिया गया है और सवाल बड़ा मज़ेदार है मज़ेदारी क्या है इसके अंदर वैसे सवाल आता है आपका एरिया ऑफ शेडिड रीजन निकालो लेकिन ये सवाल उल्टा है इसमें ये कह रहा है कि भैया एरिया ऑफ अनशेडिड रीजन निकालो मतलब जो शेडिड नहीं है जो छायादार नहीं है वो वाला निकालो उल्टा सवाल है ये तो अनशेडिड रीजन का सवाल है ये ध्यान रखना अपना आप शेड वाला निकाल दो तो काला काला वाला नहीं नहीं अनशेडिड जो शेडिड नहीं है मतलब ये जो बीच वाला वाइट वाइट वाला एरिया है ना ये वाला निकालना है आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कैसे निकाल सकते हैं क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं देखो इसको गौर करो ध्यान दो हमें यहाँ पर एक आधा सर्कल इधर दिख रहा है ये रहा ठीक है और एक आधा सर्कल यहाँ दिख रहा है ये रहा अब देखते रहे ना मेरी शॉर्ट ट्रिक कैसे मैं इस पर आंसर लेकर आऊंगा फिगर के ऊपर पेन चलाते चलाते ही एक आधा सर्कल मुझे यहाँ दिख रहा है चलो जी ये रहा और एक आधा सर्कल मुझे यहाँ दिख रहा है तो मुझे कितने आधे सर्कल दिख रहे हैं कितने हाफ सर्कल हैं इसमें कितने सेमी सर्कल हैं इसमें चार ठीक है चार सेमी सर्कल है इसके अंदर ठीक है जी अब चार सेमी सर्कल का मतलब है कि दो पूरे पूरे सर्कल हैं भैया इन दोनों आधों को मिला के मैं एक गोला बना दूंगा इन दोनों आधों को मिला के मैं एक गोला बना दूंगा तो एक गोला पूरा ये हो गया एक गोला पूरा ये हो गया दो सर्कल होगा इसका मतलब अगर मैं अगर मैं क्या करूं अगर मैं चार सेमी सर्कल का या फिर दो पूरे पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूँ चलो जी इसका एरिया निकल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बीच में जो ये एक स्क्वायर बन गया बीच में जो एक स्क्वायर बन गया अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो इसका एरिया और चारों इसका एरिया अगर मैं निकाल लूँगा तो मुझे पूरी की पूरी फिगर का जो अनशेडेड वाला पार्ट है मिल जाएगा बीच में एक इसका क्या है स्क्वायर है इसका एरिया मुझे निकालना है अब लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि बीच में जो स्क्वायर बन रहा है ना हमें इसकी साइड नहीं पता और स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इसकी साइड पता होना चाहिए क्योंकि एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर ठीक है जी ये फार्मूला आता है इसके स्क्वायर का निकालने का आप साइड कैसे पता करेंगे देखो फिगर में ही आंसर छुपा है बस फिगर को देखते चले जाओ सोचते चले जाओ देखिए ये पूरी यहाँ से आ तक है चौदह सेंटीमीटर और तीन सेंटीमीटर इधर कम है तीन सेंटीमीटर इधर कम है अगर मैं चौदह में से तीन और तीन छः माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा मेरा आठ सेंटीमीटर बनेगा बचेगा ठीक है इट मींस इट मींस क्या इट मींस ये कि यहाँ से लेकर यहां तक कि ये पूरी की पूरी दूरी जो है ये कितनी है आठ सेंटीमीटर है इतनी बात समझ में आ गई ये समझ में आ गई अब देखो खेल खेल क्या यहाँ पर ये इसका डायामीटर है तो ये डायामीटर है तो ये इसकी रेडियस रही होगी के इसकी रेडियस रही होगी और यहाँ पर ये इसका डायमीटर है तो ये इसकी आधी रेडियस रही होगी तो एक आर और एक आर तो ये दो आर हो गई और दो आर क्या होती है? दो हैं दो आर बराबर होती हैं एक पूरे डायमीटर के मतलब इनसे मिलके एक डायमीटर बन रहा है अब बाकी का हाँ खेल देखो इधर ये इसका पूरा डायमीटर है जो लंबाई ये है वही लंबाई तो ये है तो एक डायमीटर मुझे यहाँ मिल रहा है तो मतलब तक में ये पूरे दो डायामीटर हैं पूरे दो डायामीटर हैं दो डी हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आठ है इसका मतलब ये जो आठ है ये दो डायामीटर हैं, आठ सेंटीमीटर तो एक डायामीटर एक व्यास कितना होगा चार सेंटीमीटर अब एक डायामीटर में दो रेडियस होती हैं तो एक रेडियस कितनी होगी दो सेंटीमीटर देखा आपने इमेज के अंदर ही आंसर छुपे थे बस आपका एरिया निकाल दूंगा तो अंदर का सारे का सारे का एरिया क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ठीक है वही हमने करा है साइड का स्क्वायर चार चौक सोलह और चार थे तो पाए स्क्वायर एक का होता है तो इंटू चार कर दिया दो से ये कट जाएगा दो बार दो दूनी चार ये दो आ गया पाए गएगात दो चार ठीक है जी और दो दूनी चार दूनी आठ या आठ हमने लिख दिया और पाई को हमने एज इट इज़ लिख दिया बिना सॉल्व करे तो यह आंसर हमारा आ गया सोलह प्लस एट पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये सोचने का तरीका आपको आना चाहिए एरिया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर के अंदर ये तरीका आपको पता होना चाहिए तो देख लेना फिगर कैसे थी और क्या क्या हमने निकाला है गड़बड़ मत कर देना कि शेडिड रीजन का निकाल दो उल्टा हो जाएगा सवाल गलत हो जाएगा चलिए जी अगला सवाल दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर से आपके लिए आ चुका है कि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है और टेन ए माइनस बी बराबर वन बाई थ्री है तो फाइंड ए और बी तो ए और बी क्या होगा हमें बेसिकली एंगल बताने हैं तो टेन ए प्लस भी दे रखा है टेन ए माइनस भी दे रखा है बहुत आसान सवाल है ठीक है स्टैंडर्ड लेवल का है लेकिन देखिए ध्यान से देखे तो लेंगे टेन रूट थ्री कितने पे होता है सिक्सटी डिग्री पे होता है तो इट मीन्स ए प्लस बी बराबर जो है वो आपका सिक्सटी होगा टेन वन बाय थ्री कितने होता है थर्टी डिग्री पे होता है तो इट मीन्स ए माइनस बी कितने का होगा आपका थर्टी डिग्री होगा एक इक्वेशन आपकी ये बनी एक इक्वेशन आपकी ये बनी दोनों ही को सॉल्व कर लो आंसर लेकर आ जाओ दोनों ही को सॉल्व कर लो और आंसर लेकर आ जाओ जल्दी से हम्म ठीक है ए फोर्टी फ़ाइव और फिफ्टीन फोटी फ़ाइव और फिफ्टीन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एम एच के एल गेमिंग और राज पैंतालीस पचास सही है पैंतालीस पंद्रह ठीक है आपने आंसर सही दिया है चलो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी थी आपने कर भी ली बहुत अच्छी बात है ऐसे आपको सॉल्व करना है ये आ गए इन दोनों सॉल्व करी मैंने बी से भी कैंसिल आउट करा ए और टू ए हो गए छः तीन नौ हो गए तो ए निकल के आ गया पैंतालीस और ए की वैल्यू मैंने पुट ए बराबर फोर्टी फाइव डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया मैंने ए बी प्लस सिक्सटी थी पैंतालीस रख दिया बी बराबर यहाँ से बी की निकल के आ गई तो ए और भी आ गया आसान सवाल था मतलब आपको पता होना चाहिए तो हो आसान है वरना आसान नहीं है लेकिन हाँ कितने तो तीन नंबर का सवाल है तो तीन नंबर आपको देखे जाएगा फ्री गई है तो भैया लूट लो माल अच्छा जी दो नंबर वाले सवाल चल रहे हैं आ जाओ जी दो नंबर का सवाल ये रहा आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल समझो निकालना क्या है देखो आंखों आंखों में जवाब ढूंढना सीखो आंखों आंखों में जब भी आप लिख के कर पाओगे पेरीमीटर ऑफ पी सी डी तो पी सी डी इस पूरे का आपको पैरीमीटर निकालना है इस पूरे की लंबाई बतानी है जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ कुछ दे रखा है क्या हाँ पी ए पूरा दे रखा है पी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा का पूरा जो है ये दस है ऐसे ये दे रखा है कुछ और दे रखा है कुछ और तो नहीं दे रखा अब देखिए पी ए और पी बी पी ए और पी बी जो हैं ये दोनों टेंजेंट हैं अगर पी ए दस है तो फिर पी बी भी दस होगा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये दस सेंटीमीटर ही होगा अब हम और क्या इसके अंदर कर सकते हैं चलिए जी इतनी बात समझ में आती है अब देखो एक चीज़ समझो अगर यहाँ से यहाँ तक ये यह दस है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा दस है ना ये ये बराबर इसके है ठीक है और ये आधी बराबर इसके है मतलब ये इतनी टेंजेंट इस वाली टेंजेंट के बराबर होगी ये टेंजेंट इसके बराबर होगी तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा ये ई और बी हमें मिल जाएगा जब हमें ये ई और डी ई सी और डी मिल जाएगा तो हमें ये साइड पता चल जाएगी ये साइड हमें पता है ये साइड हमें, हमें पता है ये पता चलते ही हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि तीनों का सम हमको बताना है तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कर लेनी है सिंपल एजेट हो जाएगी आइए स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ अब कैसे कैसे ये चीज़ कर रही है यहाँ पे देखिए सबसे पहले पी ए बराबर पी बी टेंजेंट है पी ए और पी बी टेंजेंट है सी ए बराबर सी ई सी ए और सी ई ये भी आपकी टेंजेंट है स्पर्श रेखाएं हैं क्योंकि सर्कल के बाहर एक पॉइंट से बनी है और बिल्कुल ऐसे ही डी ई और डी बी भी टेंजेंट है डी ई और डी बी भी इसकी टेंजेंट है ये तीन इसकी टेंजेंट आ गई रीज़न भी मैंने दे दिया कि भैया टेंजेंट्स टू अ सर्कल फॉर्म एंड एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है जी ये बराबर होती हैं ये रीज़न आप लिखना ऐसे का ऐसे लिखना है जैसे जब मैंने आपके लिए सफाई से लिखाई है ऐसे लिख है कि के आना है एक लाइन आप छोड़ के गैप दे दे के अब पैरामीटर ऑफ पी कैसे निकलेगा जब हम पी को सी को और पी को इनको हम जोड़ देंगे जब वो निकलेगा ठीक है जी चलिए हमने तीनों को जोड़ के लिख दिया अब पीसी की जगह पी लिखा सी की जगह मैंने लिख दिया सीई प्लस ईडी सी डी है पूरा मेरा सी डी किस से मिलकर बन रहा है सीई और ईडी से मिलकर बन रहा है सीई और ईडी से मिलकर बन रहा है इसलिए पूरा का पूरा ये सी हो गया ठीक है ये यहां पर इसीलिए लिख दिया अब सीई और ईडी की जगह मैंने लिख दिया सी और बी डी क्योंकि सी ए और बी डी जो है इसके बराबर है भाई सीई और ए सी आपस में बराबर हैं इसीलिए मैंने सी ई -E की जगह ए सी लिख दिया डी ई -E और बी डी आपस में बराबर हैं इसीलिए मैंने डी ई -E की जगह बी डी लिख दिया ठीक है ये लिख दिया अब ऐसा करने से क्या हुआ ऐसा करने से ये हुआ कि भैया देखिए अब पी ए अब पी सी पी सी और ए सी तो पी सी और ए सी मिल के बन गए पी ए और पी डी और बी डी पी डी और बी डी बन गए पी बी अब पी ए और पी बी तो बराबर हैं तो अब पी ए की जगह में पी बी लिख सकता हूँ मतलब पी बी की जगह में पी ए लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं दोनों बराबर हैं अब यहाँ पर ऐसा करने से टू पी ए हो गया अब पी ए हमें पता है कि भैया टेंजेंट जो है वो दस सेंटीमीटर है तो दस दूनी बीस तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है बीस आ जाएगा पूरा का पूरा, पूरा पेरीमीटर तो ये मिलके ये मिलके ये मिलके तीनों का जो है वो लेंथ जो है वो आ चुकी है ठीक है जी बीस सेंटीमीटर तो ये तरीका आपको सीखना है ताकि आप इसको सही तरीके से लिख सकें और ऐसे का ऐसे ही जैसे मैंने लिख के आपको दिखाया है ऐसे ही लिख आपको आना है अगला सवाल देख लो ये भी बड़ा मज़े का सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे नज़र मार लेते हैं फटाफट से जल्दी से फिर आपका जो है ये सवाल हो जाएंगे फिर सिर्फ एम बचेंगे और एम में तो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताए रखे हैं तगड़ी तगड़ी शॉर्ट ट्रिक से आंसर लेकर आएंगे दस मिनट में वो भी खत्म करेंगे सवाल क्या है प्रूफ देट ओ सी इज़ अ हाफ ऑफ ओ ए ये जो ओ सी है कहाँ गया ओ सी यहाँ से ओ से लेकर ओ सी ये जो ओ सी है ये ओ ए का इसका आधा है ये हमको साबित करना है और हमें रेशो दे रखा है रेशो किस किस का टू थ्री पॉइंट पी जो है अच्छा ये इसको टू थ्री के रेशो में डिवाइड करता है ये इसको फोर इस टू वन के रेशो में डिवाइड करता है मतलब ये हिस्सा एक और ये हिस्से चार ये हिस्से दो और ये हिस्से तीन ऐसे डिवाइड कर रहा है ठीक है जी और क्या है और बस ये ये पैरलोग्राम है पैरलोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और इसके बराबर होगी अब इनकी हेल्प से हम सवाल को सॉल्व करेंगे देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हम ए पी को देखें सिर्फ ए पी को तो ये जो ए पी है ए पी जो है वो दो बटा पाँच है इस पूरी साइड का ए बी का ठीक है दो बटा पाँच है ऐसे ही अगर हम पी बी को देखें पी जो है या बीपी जो है वो बराबर कितना है वो पूरी साइड का तीन तीसरा हिस्सा है ए का ऐसे हमने इसको हिस्सों में बांट लिया ऐसे हम इसको ऊपर वाले को भी हिस्सों में बांट लेंगे कि भैया डी क्यू जो है जो डी क्यू है वो पूरी साइड का चार बटा पाँच है ठीक है पूरी साइड क्या है आपकी सी डी है ऐसे ही सी क्यू है सी क्यू जो है वो पूरी साइड का एक बटा पाँच है पूरी क्या है सी डी है ये हमने बांट लिया यहाँ पर अब अब क्या अब हम यहाँ पर ये यह कर सकते हैं कि आ, हाँ बीच के एंगल हम नज़र मारेंगे भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि दो पैरल के बीच में बना है ट्रांसवर्जल एंगल जेड वाले एंगल तो यहाँ से सिमिलर प्रूफ करके इस ट्राइंगल की साइड इसके कंपैरिजन में हम चेंज कर देंगे जब ये चेंज कर देंगे तो हमारा जो है वो प्रूफ भी हो जाएगा अब आइए नज़र मारते हैं सोल्यूशन पर तो पहले हमने समझा अब मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरलोग्राम है ठीक है हमने ए बी बराबर डी सी को ए मान लिया अब ए बी यहाँ से यहाँ तक है और सी डी यहाँ से यहाँ तक है दोनों को हमने ए मान लिया क्योंकि बराबर साइड है ये इनको हमने ए का नाम बोल दिया है अब वही चीज मैंने जो करी थी ए पी बराबर टू बटा पांच है यहां पर मैंने ए माना तो ए से लिख दिया जैसे यहां पर मैंने क्या माना था ए बी ए भी माना था ना तो इसको मैंने ए से नाम दिखा दिया यहां सी डी सी डी था तो इसको हमने क्या दर्शा दिया यहां पर हमने इसको भी ए से दिखा दिया ये रहा तो दो बटा पांच है तीन बटा पांच है ऊपर वाले ट्राइंगल में देखा तो चार बेटा पांच है और एक बेटा पांच है अब दोनों ट्राइंगल छोटे वाले हमने सिमिलर कर लिए एंगल एंगल से क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया एक एंगल यहां पर एक एंगल यहां पर एक एंगल यहां पर एक एंगल यहां पर जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशो सिमिलर हो गया अब साइड का रेशो जब सिमिलर बराबर आ गई साइड तो एओ की जब ए बटा सी ओ अब ए ओ कहाँ पर है ए ओ इसमें है और सी ओ इसमें है ये बराबर होंगे अब ये बराबर है क्योंकि ए? ए पी और सी क्यू के तो ए पी यहां पर है हमारे पास और सी क्यू यहां पर है हमने ये ए पी ओर सी क्यू की वैल्यू ए सी सीओ की जगह रखी तो हमें आंसर जो है वो मिल गया दो बटा एक मतलब एक सी एक है ए दो है मतलब AO डबल है इसका मतलब जब ये डबल है तो CO जो है वो आधा होगा यही हमें बताना था CO या OC जो है वो OA का आधा है तो यहाँ पर OC जो है वो एक बटा दो है OA का इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रूफ कर लिया और हमने एंड में लिख भी दिया कि ओ इज हाफ ऑफ ओ तो ये इसका एक पूरा पैटर्न था पूरा एक तरीका था सॉल्व करने का ठीक है चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं अब हमारे पास एक सवाल और बस ख़त्म ये रहा अरे भैया हाँ हा गया इस क्वेश्चन की डिमांड थी बच्चे पहले भी कह रहे थे कि सर ये सवाल करवा देना और यकीन मानो ये सवाल परसों आपको रखा हुआ मिलेगा जी हाँ ये सवाल रखा हुआ मिलेगा बिल्कुल कि एज़ इट इज़ आपको करके आना है तो इस सवाल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना ये सवाल आएगा ही आएगा तो इसकी स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए एज इट इज़ स्टेप लिख के आओगे नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे ठीक है जी रूट थ्री नहीं हुआ तो रूट फाइव होगा रूट फाइव नहीं हुआ तो रूट टू होगा तो रूट टू रूट थ्री रूट फाइव इसको प्रूफ करने का सवाल आएगा ही आएगा परसों ये बात लिख के लो ध्यान से ठीक है ये आएगा ही आएगा प्रूफ डेट वाला सवाल है अब कैसे करना है तरीका मैंने आपको जो कल का लाइव लिया था मैंने कल के लाइव में भी आपको ये सवाल लिया था ठीक है कल के लाइव में मैंने रूट थ्री का लिया था आज मैं रूट टू का ले रहा हूँ तरीका सेम है बस टू की जगह थ्री लिखना है सिंपल एज जेड तरीका आप ये देख लीजिए ये रहा यही लिख के आना है बस यही एज इट इज़ एक एक वर्ड यही का यही लिख के आना है आपको कि हमने माना लेटेस्ट एजियोम रूट टू एक रेशनल नंबर है अब रूट टू रैशनल है तो उसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं जहां पर वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम ए और बी कोप्राइम है और बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे रूट टू का स्क्वायर करेंगे ए बटा बी का स्क्वायर करेंगे रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा इसका ए स्केर अपन बी स्क्वायर हो जाएगा बी ऊपर चला जाएगा टू नीचे आ जाएगा टू नीचे आ गया टू ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया जब टू ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो भैया ये टू ए को भी भाग देगा ए को भी डिवाइड करेगा तो ए जो है वो टू से कट गया ये बात समझ में आई ठीक है अब ए की जगह कुछ और रखना है टू एम रखना है फोर सम इंटीजर एम ए की जगह टू एम रख के सॉल्व करा तो दो का एम का स्क्वायर चार एम हो जाएगा दो से ये कट जाएगा दो दूनी चार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो बी के नीचे आ जाएगा तो इसे दोनों बी को भी काट दिया ठीक है बी इज डिविजिबल बाय टू अब हम लिखेंगे ये सेम लिखना आप भी एज इट इज क्या कि भैया टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी तो दो जो है वो ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है बट ये हमारी सोच को गलत बता रहा है क्यों क्योंकि और और आर लेकिन हमने तो माना था देट कॉन्ट्राडिकाइम होते हैं और का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है one. दो से अगर ये कट तो भैया फिर ये नहीं रहेंगे तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है हमने क्या माना था हमने माना था रूट टू एक रेशनल नंबर है तो ये बात गलत है सो अवर एजम्शन इज रॉन्ग हमारी एजम्पन गलत है रूट टू इज एन इेशनल नंबर रूट टू एक इेशनल नंबर ही है तो ये ऐसे का ऐसे आप लिख के आना परसों आप आपको सवाल ये देखने को बिल्कुल ही मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा ये सवाल देख लो इसको पढ़ लो समझ लो ये जरूर आएगा ये ध्यान रखना तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर जो है वो लगा डाला है मात्र दो घंटे के अंदर दो घंटे में हमने चार सेक्शन कर दिए पूरे जिसमें आपके वेरी शॉर्ट वाले हो गए दो दो नंबर के तीन तीन नंबर के शॉर्ट हो गए फिर आपके बड़े वाले पाँच पाँच नंबर के लोंग हो गए और फिर केस बेस भी हो गए तो चार सेक्शन हमने पूरे के पूरे कर दिए हैं दो घंटे के अंदर लाइफ के अंदर वो भी बहुत अच्छे से तो पेपर लेंदी रहेगा थोड़ा स्टैंडर्ड वालों की अगर बात करूँ तो आप लोग टाइम का ज़्यादा ध्यान रखना बेसिक के सवाल इजी होते हैं डायरेक्ट होते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं स्टैंडर्ड में थोड़े से लंबे सवाल आज जैसे कि आपने देखा काफ़ी लंबे लंबे सवाल थे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो हमने करी कितने लंबे लंबे सवाल थे उसमें बर्ड उड़ रही थी चुड़िया काफ़ी कुछ करने को था तो ये आपका पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है फटाफट से नजर मार लेते हैं किस पे अपने एम सी के ऊपर अब रैपिड राउंड चलाते हैं दो घंटे दस मिनट हो चुके हैं बीस मिनट में रैपिड राउंड चला के साढ़े आठ बजे तक लाइव एंड करते हैं ठीक है तो रैपिड राउंड में बीस मिनट और बीस सवाल यही आपको एग्जाम में करना है क्या करना है सेम चीज आपको आपको को मिनट मिनट ही देने मतलब एक मिनट में एक सवाल आपको करना है तो फटाफट से आ जाओ बीस मिनट में बीस सवाल करते हैं आंसर लेकर आते हैं असर्शन और रीजन पढ़ लो फटाफट आप मुझे बताते रहेंगे अब ऑप्शन जो भी आंसर होगा तो बीच में का कौन सा ऑप्शन है कमेंट करके फटाफट से मुझे बताओ मैं इतने सवाल पढ़ रहा हूं हमसे कह रहा है है, कि फिर फाइव बाई टू है फिर जीरो फिर फिर रहा है कि ये एक AP है। ये एक एक है, है. तो क्या ये सही कह रहा है असर्शन कह रहा है ए पी है, है माइनस की तरफ से प्लस की तरफ बढ़ रही है और नंबर एक, एक सीरीज में कम हो रहे है। तो assertion हमारा true है। Reason रहा है तो असर्शन हमारा ट्रू है रीजन कह रहा है प्रोग्रेशन कैन नॉट के दोनों पॉजिटिव और निगेटिव नंबर नहीं हो सकते assertion ये रीजन ये कह रहा है नहीं गलत भाई निगेटिव भी हो सकते हैं एपी में पॉजिटिव भी हो सकते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है यहां पर रीजन रीजन हमारा फॉल्स फॉल्स है है तो ट्रू रीजन ठीक है? आंसर आपको दिख जाएगा असरशन ट्रू रीजन फॉल्स ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं चलो जी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है आगे बढ़ जाता हूँ फटाफट फट्ट से उन्नीस में का आंसर दो मुझे ये लो जी क्वेश्चन नंबर उन्नीस का आंसर दो जल्दी से पढ़ो असरशन रीजन का ही सवाल है एक नंबर में आएगा असर्शन कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फ़ेयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन तो बिल्कुल ठीक है बात भैया ये फिगर में ऊपर आपका हमिस्फेयर है इसका एरिया नीचे कौन का एरिया निकलेगा तो भैया स्टेटमेंट में सर्शन ट्रू हो जाता है रीज़न टॉप इज ऑप्टेंड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिसफेयर एंड कॉन टुगेदर जो हमें टॉप बना है वो इनकी सरफेस को जोड़ के बना है बिल्कुल सही जवाब तो यहाँ पर यह भी ट्रू है तो दोनों ऑप्शन ट्रू हैं तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत ए और भी सही है और दोनों कनेक्टेड भी आपस में एक दूसरे को ही रीज़न दे रहे हैं तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से बताओ द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मॉडल क्लास की अपर लिमिट आपको बतानी है तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट बताना आपके लिए बहुत आसान है फटाफट से बताओ ऑप्शन जल्दी से अब एक चीज देख लेना ये मॉडल क्लास है ठीक है अब ये बिलो वाला क्वेश्चन है बिलो वाला मतलब इससे कम इससे कम इससे कम और बिलो वाले क्वेश्चन में ना एक पेंच एक पेंच ये होता है कि ये आपकी ना ये आपकी एफ नहीं होती या आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, या आपकी होती है, के के तो तो है। तो सात उनतीस में से ग्यारह माइनस करोगे तो नौ में से एक जाएगा आठ दो में से एक जाएगा एक फिर अट्ठारह में से अठारह माइनस करोगे तो इस तरीके से आपका जो है वो आंसर आएगा ठीक है ये छह आएगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका पांच तो अब आपका आंसर आएगा अब देखो सबसे बड़ी मॉडल क्लास क्या है बाईस है तो बाईस तो बाई का क्या है बिलो एक तो एक से नीचे वाला तो ऐसे आपको इसका आंसर जो है वो मिलेगा समझ में आए बाद स्टैंडर्ड वाला है ये इसीलिए थोड़ा सा घूमा हुआ है ऑप्शन डी बच्चे ज़्यादा आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी में क्या होता है एक है तो फटाफट से देख लेते हैं यस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ये मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दी है सबसे बड़ा अट्ठारह है अट्ठारह जो किसका है आपका एक का बिलो है तो एक से नीचे वाले में एक ही उसकी अपर लिमिट हो क्योंकि 150 और उससे छोटे वाले इसके अंदर आएंगे चलिए जी अगला सवाल देखते हैं फटाफट से टू कार्ड ऑफ हार्ट एंड चार कार्ड ऑफ स्पेड दो कार्ड और चार कार्ड अलग कर दिए गए निकाल दिए गए खो गए मिसिंग हो गए बावन ताश की गड्डी थी मतलब बावन कार्ड का पत उसमें गड्डी में से एक कार्ड कोई सा निकाला जाता है तो वो कार्ड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड ब्लैक कार्ड होने की कितनी है ठीक है ब्लैक कार्ड होने की अब माइंड में करना है ये सब सब में शॉर्ट ट्रिक लगेगी दिमाग दिमाग में आंसर लाओ बावन कार्ड में से कितने कार्ड खो गए दो कार्ड ये खो गए चार ये खो गए तो छः कार्ड खो गए तो बावन में से पहले तो आप छः माइनस कर दो तो कितने बचेंगे आपके 46 कार्ड बचेंगे तो नीचे आपका 46 आना है तो नीचे 46 इन दोनों में है अब इन दोनों में से एक आंसर होगा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक ब्लैक कार्ड कार्ड अब की प्रोबेबिलिटी बताएं तो भैया ये ये जो दिल वाले वाले हैं हैं लाल होते स्पेड काले होते हैं तो यहाँ पर चार कार्ड आपके खो चुके हैं स्पेड के और बाकी कितने बचे आपके बाकी आपके बचे तेरह दूनी छब्बीस ठीक है तो तेरा दूनी छब्बीस अच्छा दो कार्ड हार्ड के हैं चालीस के ब्लैक के हाँ जी तो इस तरीके से आपको आंसर ढूंढ लेना है ऑप्शन नंबर कौन सा फटाफट फड़ से, तो 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 से इतने हमारे आएंगे ऐसे आपको इसको सोचना है ठीक है तो ये देख लेना है टोटल कितना पूछा क्या जा रहा है बी ऑप्शन सही जवाब होगा चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट पांच मिनट ही बचे नहीं पांच नहीं पंद्रह मिनट बचे भी तो पंद्रह मिनट में अभी सवाल भी तो हैं हमारे पास सही आ रहे हैं हम चलिए जी इसमें देखिए सोचिए क्या होगा देर इज अस्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड टू ए एक स्क्वायर बोर्ड है इसकी जो ये साइड है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी साइड है टू ए यूनिट ठीक है जयदेव इज आज टू कीप अ डॉट द ऑन द अबोव सेड बोर्ड जयदेव ने कहा कि भैया इसमें ना कहीं पर भी एक वो रख दो क्या नाम है एक डॉट बना दो ऐसे करके कहीं पर भी बना सकते हो आप कहीं पर भी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डॉट डौ, आए वो शेडिड रीजन में आए हमें इस शेडिड रीजन की प्रोबेबिलिटी बतानी है एरिया वाला फॉर्मूला वो नहीं है सवाल ये शेडिड रीजन की प्रोबेबिलिटी तो पूरे अगर बोर्ड का हम देखें भैया पूरे बोर्ड में से ये जो गोला सर्कल बन रहा है इसका एरिया हटा दो इसका एरिया हम हटा देंगे तो बाकी का जो एरिया है वो शेडिड वाला है फिर उसकी प्रॉबिलिटी निकाल लो ऐसे आपको इसको करना है तो बोर्ड जो है हमारा वो पूरा एक स्क्वेरिकल फॉर्म है तो टू ए का स्क्वायर आप करेंगे टू ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा फोर ए स्क्वायर ठीक है फोर ए स्क्वायर में से आप क्या करेंगे आप पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे जो कि गोले का एरिया होगा ऐसे सर्कल का एरिया होगा रेडियस की बात करेंगे तो खाली ए आएगी की वो क्योंकि पूरा टू ए है तो रेडियस की जगह आप क्या कर देंगे आप यहाँ पर पाई ए स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है बाहर निकाल लेंगे तो फोर माइनस पाई बचेगा इस तरीके से अब आपका आंसर जो है यह आ गया उसका ये आ गया आपका तकरीबन एरिया के इतने एरिया में गोए शेडिड रीजन अब प्रोबेबिलिटी निकाल लिए तो टोटल में से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल का आपका क्या आएगा ये टोटल का है ऊपर और ये आपका वो वाला आ गया तो इसको आप रख दो टोटल नीचे आता है आपका हमेशा और माइनस वाला जो है आपका वो ऊपर आता है ये ऊपर आ गया फोर माइनस पाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया फोर माइनस पाई बाय फोर फोर माइनस पाई बाय फोर यह आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से होगा चलिए जी क्वेश्चन नंबर पंद्रह पंद्रह मिनट बच्चे और पंद्रह सवाल बच्चे फटाफट से बताइए यहाँ पर यह आप बताएंगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला इस सवाल में आप बताइए मुझे क्या आंसर होगा जल्दी से हम्म सर अठारहवा एक बार और बता एक बार और बता दो अठारवा बता देता हूँ अभी रुक जाओ पहले इसका आंसर देना तो बच्चों को ए बी सी ए ए अभी बता रहा हूँ बेटा अभी बता रहा हूँ हाँ जी आया आंसर ए दस मीटर ए बच्चे कमेंट कर रहे हैं चलिए जी आप अपना आंसर चेक कर लीजिए आप लोग ये आपका सही जवाब है वेरी गुड दस मीटर वाले बच्चे जो इसे कह रहे थे सही जवाब है बिल्कुल तो दस मीटर इसका आंसर आएगा कैसे दो छोटे सर्कल बन रहे हैं एक बड़ा सर्कल बन रहा है तो दो छोटे सर्कल जो बन रहे थे उनकी रेडियस मैंने यहाँ पर ये ले ली दोनों की रेडियस और एरिया को जोड़ दिया दोनों का एरिया जुड़ के आएगा वो बड़े वाले के बराबर आएगा बड़े वाले की बड़ी आर से दिखा दिए पाई से पाई काट दिया आर स्क्वायर हंड्रेड होता है तो रूट निकालेंगे हंड्रेड का टेन आ जाएगा तो बड़े वाले की रेडियस टेन सेंटीमीटर होगी अट्ठारहवा सवाल कह रहे हैं बच्चे कॉमेंट कर रहा था कि बता दो मैं एक बार देख लेता हूँ अट्ठारवा सवाल में क्या है अट्ठारहवा सवाल तो अच्छा वो है ना असर्शन रीजन वाला ये वाला है अट्ठारहवा सवाल में देखो बच्चा हमें मॉडल क्लास बतानी है और मॉडल क्लास के लिए ना हमें ये बिलो वाला केस है अब बिलो वाला केस है मॉडल क्लास में देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मॉडल क्लास होगी लेकिन इस केस में ना ये जो हमें दे रखी है ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी ये क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पहले हमने सी से एफ फ्रीक्वेंसी निकाली चार का चार लिखा फिर अगर हम सी एफ से एफ निकालते हैं ना तो उल्टा चलते हैं माइनस करते हैं तो ग्यारह में से चार करके सात आ गया उनतीस में से ग्यारह घटाया अठारह आ, आ गया चालीस में से उनतीस घटाया ग्यारह आया इसमें से ये माइनस किया छः आया इसमें से माइनस किया पाँच आया अब ये आ गई फ्रीक्वेंसी अब इसमें हमने देखी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अट्ठारह है तो अट्ठारह के साथ वाली मॉडल क्लास होगी अब ये क्लास जो है ये आपकी बिलो में नहीं है अब इसको हम मानेंगे वैसे 150 से कम वाली है तो 145 145 से तरह से, से हम मानेंगे यहाँ पर और अपर लिमिट पूछी थी तो अपर लिमिट हमारी एक ही होगी ऐसे हमने इसको कर लिया ठीक है चलिए जी दस वाला हमारा हो गया था ये रहा दस वाला हाँ ये रहा अगला सवाल इफ द पैरीमीटर अच्छा ज़्यादा आगे चलेगा क्या हाँ इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल बहुत आसान सवाल फटाफट आंसर दे दो फटाफट आंसर दे दो क्या इफ़ द पेरीमीटर अगर पेरीमीटर टू पाई आर बराबर है एक सर्कल के एरिए के पाई आर स्क्वेयर जिसका फॉर्मूला होता है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस कितनी होगी पाई से पाई गया आर से ये वाली आर का ऊपर का उड़ गया तो टू बराबर आर तो आर आ गई यूनिट खत्म धुएं उड़ा दिया कुछ नहीं था तो आर बराबर टू यूनिट ऑप्शन है जल्दी से आ जाओ तेहर में सवाल इफ ईफा पोल सिक्स मीटर हाई एक खंबा है एक पोल है छ मीटर ऊंचा ठीक है जी वो ज़मीन पे शेडो बना रहा है कितनी टू रूट थ्री मीटर की तो सन एलिवेशन मतलब सन से सूरज भैया जहाँ ये जगमगा रहे हैं अरे भैया ये गिर गया कहा गया तो ये जो सूरज भैया जो जगमगा रहे हैं ये, है, ये यहाँ से इनका एंगल जो है ये एंगल कितना डिग्री है ये आपको बताना है तो भैया एंगल बताना है आपको ये आपका P है ये आपका B है यहाँ आपको एंगल बताना है फटाफट से एंगल बता दो फटाफट से एंगल बता दो कितना सिक्सटी डिग्री टेन थीटा लगा दो जल्दी से ठीक है जी थीटा लगाओगे तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा तो आंसर इज़ आपका कितना सिक्सटी डिग्री ठीक है जी चलो वेरी गुड सिक्सटी डिग्री वाले टेन टेन थीटा रखा ऊपर नीचे वैल्यू रखी रूट थ्री नीचे था रोशनलाइज करा सब कुछ कट पिट के टेन सिक्सटी आ गया चलो जी क्वेश्चन नंबर बारह दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री सेक ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट में वन माइनस साइन एक्वल टू किसके बराबर ये होगा किसके बराबर होगा ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी से सॉल्व करो किसके बराबर होगा सात हज़ार लाइव कर दो जल्दी से इस लाइव सेशन के एंड होते होते ठीक है साढ़े छः हज़ार हो चुके हैं दस मिनट हमारे पास बचे हैं नौ मिनट बल्कि हैं तो जल्दी से इसको आंसर बता दो मुझे ऑप्शन नंबर बिच ऑप्शन नंबर डी बच्चे जवाब दे रहे हैं कोच थीटा कोस थीटा के बराबर होगा लेट द चेक आंसर और यस कोस थीटा के बराबर ही होगा कैसे होगा सुन लो मैंने क्या करना है मैंने यहाँ पर इनको उल्टा करके लिखा सेक का उल्टा वन बाय कोस होता है टेन को मैंने साइन बाय कोस लिखा इसको मैंने कुछ भी नहीं लिखा है ऐसे कैसे रहन दिया दोनों के नीचे कोस था कोस की मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर वाले एज इट इज आ गए ये आ गए ये ऐसे का ऐसे ही वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में है ऊपर है ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से नीचे वाला कोस कट गया तो खाली ऊपर वाला कोस बचा तो डी ऑप्शन कोस ठीक है ऐसे हो गया चलो फटाफट ग्यारहवां सवाल बताओ ट्रिग्नोमेट्री कितने सारे सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री का देख रहे हो आप और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बहुत जरूरी है याद कर लेना तो यहां पर हमें दिया गया है साइन थीटा जो है वो ए अपन बी है साइन होता क्या है पी अपॉन एच होता है अब पी अपॉन एच होता है आपको बताना क्या है कोस थीटा बताना है फटाफट से आंसर कर दो कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच होता है अब एच जो है आपको पता है बी ऑप्शन में बी किसके नीचे है बी तो भैया इसी के नीचे है तो हमें कुछ करना ही नहीं है बिना सॉल्व करें ऑप्शन देख के हमने आंसर लेकर आ चुके हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है अब चाहें तो आप इसका पहले पाइथागोरस लगा के इसका एच निकालते फिर पता करते तो हमने वो चीज़ें देखी नहीं

P Q R S इस टाइप का है उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है गोल सर्कल बन रहा है इसको भी नाम दे दो P Q R S है तो A B C D नाम दे सकते हो आप A B C यहाँ हो रहा है ठीक है C और D हमें क्या बताना है एस पी की लंबाई बतानी है इस एस पी की हमें लंबाई बतानी है और बाकी लंबाइयाँ हमें दे रखी है पी की दे रखी है बारह है ये दे रखी है हमें पंद्रह है ये दे रखी है हमें चौदह है तो टेंजेंट बन रही है बाहर ये टेंजेंट इसके बराबर ये टेंजेंट इसके बराबर ये टेंजेंट इसके बराबर ये टेंजेंट इसके बराबर इन टेंजेंट की बराबरी देखते हुए हम आंसर लेकर आ जाएंगे फटाफट से बताओ ऑप्शन नंबर टेन का डी 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 में क्या है ग्यारह है फटाफट से सही जवाब ग्यारह ही है कैसे हुआ यहाँ पर देख सकते हो पी क्यू बराबर आर एस रखा मैंने पी क्यू बराबर आर एस रखा और पी आर बराबर क्यू आर ये एस आर एस पी बराबर क्यू आर रखा एस पी बराबर क्यू आर रखा या आर क्यू रखा जो वैल्यूज़ से रखी थी वो रखी एस पी नहीं पता था एस पी माइनस करके आ गया क्रॉस चेक करना हो ऐसे कर लो ये टेंजेंट इसके बराबर है भैया ये आठ है तो ये आठ होगी ये छः है ये छः होगी ये पाँच है ये पाँच होगी ये सात है तो ये सात होगी आठ और सात पंद्रह होते हैं आठ और छः चौदह होते हैं छ और पाँच ग्यारह होते हैं सात और पाँच बारह होते हैं सब कुछ क्लियर है ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर फटाफट से आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन देख के ही आप आंसर बता दोगे क्या आंसर बताना है एंगल सब्सटेंडिड बाय द कोर्ट एट द सेंटर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कोर्ट के द्वारा तो कोर्ट जीवा क्या है इसका पी क्यू पी क्यू के द्वारा जो यहाँ पर ये यह एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है हमको ये बताना है तो सिंपल है सवाल देखो कैसे कर सकते हैं भैया हमें पता है कि पूरा नाइन्टी होता है तो टेंजेंट बनाती है जिसमें से हमें ये यह पचास यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है अब ये पचास है तो इधर का कितना होगा ये चालीस होगा ये चालीस होगा ठीक है जी जब ये चालीस होगा तो ये वाला भी चालीस होगा क्यों क्योंकि ये रेडियस है ये रेडियस है और आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं अगर दो साइड बराबर हों तो जब ये चालीस तो ये वाला चालीस अब ये ट्राइंगल के अंदर ये पूरा एक 180 होता है चालीस चालीस अस्सी माइनस कर दो तो आपका सो आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है ठीक है ऑप्शन नंबर बी हंड्रेड इसका आंसर आ चुका है मैंने यहाँ पर लगा दिया है ठीक है ऑप्शन नंबर बी हंड्रेड वेरी गुड आइए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं आठवें सवाल के ऊपर और चार मिनट रह गए हैं जल्दी से आठ सवाल ले गए आधा मिनट में सवाल का आंसर बताओ सिंपल सवाल है ए बी सी के ट्रम में बताना है ए बी बराबर ए है ए बी बराबर ए है डी ई डी ई बराबर एक्स है बी ई बी ई बराबर बी है और ई e, सी बराबर सी है तो यहाँ पर इसका साइड का रेशो दे रखा है इससे इसका रेशो दे रखा है इससे फटाफट से रेशो बना दो इसका ठीक है एक्स को एक्सप्रेस करना है तो सिंपल है यहाँ पर रेशो बराबर रखेंगे हम ये रेशो और इससे ये रेशो जब हमने रेशो बराबर रखा तो हमारा आंसर आ गया ठीक है सी अपॉन बी प्लस सी रखा सी अपॉन बी प्लस सी रखा और एक्स अपॉन ए रखा खड़ी खड़ी साइड का रखा लेटी लेटी साइड का रखा क्रॉस मल्टीप्लाई करी एक्स के फॉर्म में बतानी है तो ये हमारे पास आ गई ए सी अपॉन बी प्लस सी ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो यहाँ पर अब पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से बीच में जो ओरिजिन होता है ग्राफ में उससे पांच सेंटीमीटर या दो पांच यूनिट दूरी पर है हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे

जो डिवाइड होंगे बाई एक्स एक्सिस से किस रेशो में होंगे तो रेशो के लिए आपको वो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन वाला फॉर्मूला लाके करना पड़ेगा लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं देख कैसे सकते हैं ऐसे देख सकते हैं आपने देखा भैया ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू वन टू थ्री देखो टू और माइनस थ्री टू और माइनस थ्री वन टू थ्री ये आगे यहाँ पर टू और माइनस थ्री ठीक है जी अगर लगा है फाइव और सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और कितना है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा जब आप इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो आप यहां पर यह पाएंगे ये इसका ऑलमोस्ट डबल आएगा ठीक है ये हिस्सा ये देखो डबल आएगा मिक्स टन है द बिटवीन देयर फोर्थ टर्म ये चौथे नंबर पे जो आएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है या फिर इनका माइनस बताना है आपको तो चौथा टर्म जो होती है वो ए प्लस थ्री डी होती है तो ए प्लस थ्री डी होती है दोनों का हमें इस तरीके से पता है लिख लेंगे माइनस करके तो ए प्लस थ्री डी और माइनस ए माइनस थ्री डी ठीक है जी थ्री डी जब थ्री डी कट जाएगा ए माइनस ए आप देख लेंगे माइनस वन माइनस एट आप देख लेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाए जाएगा सी जो कि है इसका सेवन ठीक है ये चीज़ आपको करनी है चलो जी आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ यहाँ पर हमें दिया गया था नेचर ऑफ रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे तो नेचर ऑफ रूट के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना होता है अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो आपके टू इक्वल रूट्स आएंगे ठीक है जी अगर जीरो से ये बड़ा हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे अगर जीरो से तो छोटा होगा मतलब निगेटिव में होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो फटाफट से इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप निकाल लो आपको पता चल जाएगा बी स्क्वायर मतलब छः का स्क्वायर माइनस का सिक्स का स्क्वायर आएगा आपका छत्तीस माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ठीक है तो छत्तीस माइनस माइनस प्लस उड़ाएंगे चालीस छत्तीस दूनी क्या ना ये तो अच्छा प्लस का हो जाएगा ना यहाँ चार दूनी आठ आट, आठ बहत्तर तो प्लस का आंसर आएगा बहुत बड़ा आएगा तो जब प्लस का आएगा बड़ा आएगा तो इसके दो अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑप्शन नंबर सी इसका आना शुरू हो जाएगा ठीक है चलो जी लास्ट थर्ड ऑप्शन आपका ये रहा दो लाइन पैरेलल दिख रही हैं तो भैया पैरेलल की कंडीशन क्या होती है सिंपल ऑप्शन बी ए वन अपोन ए टू बराबर होता है बी वन अपोन बी टू के लेकिन सी वन अपोन सी टू के बराबर नहीं होता तो ये है इसकी पैरेलल होने की कंडीशन तो सिंपल हमने आंसर देखते ही इसको उड़ा दिया है दस सेकेंड के अंदर फटाफट से सेकेंड लास्ट द गिवन लीनियर पोलिनोमियर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हेज इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो इसका एक एक्सिस को ये एक जगह पर काट रही है जो कि थ्री पर काट रही है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा जो कि है यहाँ पर थ्री तो ये बहुत सिंपल सिंपल एक एक नंबर लूटने के सवाल थे अब देखो एक चीज और हमने एंड में एम से क्यों करे हम इतना लाइट फील कर रहे हैं क्यों क्योंकि हमने बड़े बड़े नंबर के जो सवाल थे वो पहले ही उड़ा दिए इसीलिए आप पहले ही बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना अब आखिरी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन जो कि मैंने आपको इसकी कल शॉर्ट ट्रिक बता ही दी थी कि या अगर ऐसे सवाल में आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या करना जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से आंसर दे दो जल्दी से शॉर्ट ट्रिक में आंसर दे दो लास्ट क्वेश्चन है और इस तरीके से हमने ढाई घंटे के अंदर पूरा स्टैंडर्ड लेवल का एक क्वेश्चन जो है वो तगड़ा करके बता दिया है ठीक है ऑप्शन नंबर सर सिक्स बता दो एक बार अभी सिक्स बता देता हूँ मैं पहले इसका आंसर देख लेते हैं एलसीएम की ट्रिक बताई थी क्या करना है आपको आपको छोटे छोटे वाले ले लेने हैं तो इसका भैया एक्स है और इसका वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा सिंपल ये आपका आ गया इसका आंसर चलिए जी छठा क्वेश्चन बच्चा ने कमेंट किया है कि सर सिक्स क्वेश्चन बता दो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ये रहा ठीक है ना वट इज द रेशो हाँ देखो इसमें क्या है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ हमसे पूछा है कि इसमें और इसमें किस रेशो में इस लाइन को मतलब इन दो पॉइंट्स को ना ये दो पॉइंट्स हैं एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है हाँ तो इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस नहीं है रही एक्स एक्सिस इसने किस रेशो में बांटा है तो वो रेशो हमें नहीं पता तो अब उस रेशो को के रेशो वन मान लेना क्या मान लेना के रेशो वन मान के कर लेना और फिर आप आपका लॉन्ग ट्रीम से मैंने ग्राफ में देख के आइडिया लगा लिया कि भैया एक वहां ऊपर आ, आ रहा है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं इसका डबल है तो एक बटा मतलब वन इस टू टू का यहां पर आ रहा है डिफरेंस तो ये चीज मैंने यहां पर करके आपको दिखा दी है तो इस तरीके से हमने सारे सवाल कर लिए आपका जो था बहुत अच्छे लेवल के जो सवाल हमने यहाँ पर आज कर लिए सॉल्व ढाई घंटे के अंदर ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया बहुत तगड़े तगड़े हेवी हेवी इसके अंदर क्वेश्चन थे पीडीएफ इसकी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो मिल जाएगी ठीक है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी आराम से पी देख लेना समझ लेना कैसे कैसे क्वेश्चन किए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के थे काफ़ी मुश्किल मुश्किल सवाल थे स्टैंडर्ड लेवल में ऐसे ही पेपर हमें सवाल आपको देखने को मिलेंगे ठीक है ऑल इन पेपर इन क्वेश्चन को एक बार खुद से देखना आराम से कैसे

जो तो आपको वो वाले क्वेश्चन बताऊंगा उनको आप और समझ लेना फिर आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी हो जाएगी दो दिन हमने सैंपल पेपर कर लिया हमने एमसीक्यू भी कर लिए हमने केस बेस भी कर लिए हमने लॉन्ग आंसर भी कर लिए हमने शॉर्ट आंसर भी कर लिए तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने भर भर के कर लिए हैं तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी अगर अभी भी आपको डाउट हो तो भैया वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए बनी हुई हैं ठीक है थीके? ये रिवीजन आपके लिए है दो ये लाइव एमसीक्यू वाला देख लेना बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी कल का लाइव देख लेना और आज का लाइव तो आपने देख ही लिया है इसको आप रिपीट पे एक बार देख लेना स्पीड बढ़ाकर ताकि आप कम टाइम में रिवीजन कर लें यही कर लोगे इसी से आपका काफ़ी बढ़िया पेपर चला जाएगा आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऑल तो कल मिलते हैं आपको सुबह के लाइव में जैसी भी टाइमिंग होगी वो आपको कम्युनिटी टैप के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी ठीक है इस लाइव सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब लाइफ स्टेशन आए तो आपको पता चल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा पाएं। जे जे पाए जय हिंद जय